हेलो एंड वेलकम टू लेट्स क्रैक यू पी एस सी माने प्रतीक नायक एंड आई वेलकम ऑल ऑन द लार्जेस्ट यूट्यूब प्लेटफॉर्म फॉर सिविल सर्विस प्रिपरेशन नमस्कार दोस्तों आप सभी का स्वागत है लेट्स क्रैक यू सी एस सी के चैनल के ऊपर हम लोग कंटिन्यू करते हैं पानीपत की सीरीज को हमने पानीपत के दो सेशन्स ऑलरेडी पिछले क्लास के अंदर ले लिए थे अगर आपने हमारे पिछले क्लासेस को अटेंड किया है तो यू माइट हैव बीन ऑलरेडी लाइक नो प्रपेरिंग एज वेल एंड इन द लास्ट टू मैंने आपको पानीपत की दोनों लड़ाइयों के बारे में बताया था आई हैड डिस्कस्ड अबाउट द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत आई हैड ऑलरेडी डिस्कस्ड अबाउट द सेकंड बैटल ऑफ पानीपत राइट तो हमने 1526 में फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत को देखा हमने 1526, 1556 के अंदर सेकंड बैटल ऑफ पानीपत को देखा आज का जो हमारा कार्यकाल है उसमें हम लोग देखेंगे कि थर्ड बैटल ऑफ पानीपत का इंपॉर्टेंस क्या है सर तो व्हाट इज़ द सिग्निफिकेंस ऑफ थर्ड बैटल ऑफ पानीपत जो 1761 के अंदर होती है सत्रह में तीसरी पानीपत की लड़ाई होगी उसकी प्रासंगिकता क्या है उसके साथ कौन से कौन से आ, वो है इवेंट्स जुड़े हुए हैं और वो भी क्यों होती है उसको भी हम लोग देखेंगे और साथ ये जो 2014 का क्वेश्चन पूछा गया था आपको यूपीएससी की जीएस के अंदर मेंस पेपर वन के अंदर कि व्हाई सो मेनी एम्पायर शेकिंग बैटल्स वर फॉट एट पानीपत क्यों इतनी सारी पानीपत के अंदर लड़ाइयाँ होती है और वो भी एम्पायर शेकिंग बैटल्स आप देखिए ये क्वेश्चन बहुत इंटरेस्टिंग है इट इज क्लियरली मैंशनड की यूपीएससी इज आस्किंग समथिंग समिंग एम्पायर शेकिंग मतलब साम्राज्य को हिलाने वाली जो लड़ाइया है वही पानीपत में क्यों हो रही है तो उसके ऊपर भी चर्चा करेंगे uh, आज ये हमारा कंक्लूडिंग सेशन होगा पानीपत को लेके मतलब वी विल बी कंक्लूडिंग दी बैटल ऑफ पानीपत एंड मोस्ट प्रोबली फिर जरूर पढ़ी तो उसके ऊपर एक और सेशन और ले लेंगे बट आई फील दैट की दिस विल बी मोर देन इनफ फॉर अस टू कॉम्प्रीह एंड अंडस्टैंड द टॉपिक्स रिलेटेड टू द पानीपत एंड द इश्यू ऑफ पानीपत है ना तो मोस्ट वेलकम है आप सभी का आपके लिए एक बहुत इंटरेस्टिंग अनाउंसमेंट आपको पता ही होगा मैं अन अकेडमी प्लस के ऊपर पढ़ाता हूँ इंडिया के टॉप मोस्ट एजुकेटर्स अन अकेडमी प्लस के ऊपर पढ़ाते हैं आई एम ऑल्सो मोनोमंगस दैम पिछले आठ साल से पढ़ा रहा हूँ हिस्ट्री आर्ट एंड कल्चर मेरा फोटे है आपके लिए एक इंपॉर्टेंट बहुत ही बड़ा सरप्राइज अन अकेडमी लेके आया है और वो सरप्राइज है द न्यू ईयर सरप्राइज न्यू ईयर सरप्राइज क्या है आपको न्यूज़ मिले है कि नहीं मिले है मुझे नहीं पता है बट चलिए मैं आपको एक सरप्राइज़ दे ही देता हूँ वो है ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ ऑन योर अकेडमी सब्सक्रिप्शन बिटवीन द फर्स्ट एंड थर्ड जनवरी टू थाउजेंड ट्वेंटी टू अगर आप दो हज़ार बाईस में हमारे लिए या हमारे साथ जुड़ना चाहते हो और एक से तीन जनवरी के बीच में सब्सक्रिप्शन लोगे तो बाईस परसेंट की ऑफ है आपको यानी कि कल से यू विल गेट दिस ऑफर एक जनवरी से तीन जनवरी के बीच में कॉन्कर योर गोल्स दिस न्यू ईयर विथ एन अकेडमी माई फ्रेंड्स है ना इट्स अ न्यू ईयर ऑफर फॉर यू डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक अवेलेबल है और सब्सक्रिप्शन लेते समय ये कोड को जरूर से यूज करिएगा पी एन लाइव को टू गेट द टेन परसेंट डिस्काउंट एज वेल सर ठीक है ना तो मोस्ट वेलकम है आपका 2022 की शुरुआत अन अकेडमी आपके लिए लेके आ रहा है वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी वेरी ग्रेट डिस्काउंट ऑफर फॉर यू तो ज़रूर से हमारे साथ बनिए हम आप आपको बहुत वेलकम करते हैं बाकी आप स्कॉलरशिप एग्ज़ाम दे सकते हो कॉम्बेट को एवरी सन्डे uh, होता है ये सेकेंड जनवरी को भी exam, आ, होगा स्कॉलरशिप एग्ज़ाम सुबह ग्यारह बजे होगा फिफ्टी सिक्स क्वेश्चन सिक्सटी मिनट्स में सॉल्व करने होते हैं और इसके क्वेश्चन की जो क्वालिटी होती है इसके क्वेश्चन जो होते हैं एट टाइम्स मैं भी सॉल्व करता हूँ इनफैक्ट uh, मैं सेट करता हूँ कॉम्बैट uh, की फ़ायदा यही होगा कि आपको स्कॉलरशिप मिलेगी हंड्रेड की इफ़ यू स्कोर वर्ष फर्स्ट टू थर्ड रैंक ओके आपको डिटेल वीडियो सॉल्यूशंस मिल जाएंगे क्वेश्चन uh, भी मेरे ज़रा ही सेट किए जाते हैं तो ये बहुत फायदेकारक आपके लिए रहेगा आप सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हो तो यू कैन प्लान द आइकोनिक सब्सक्रिप्शन आइकॉनिक में आपको एक मेंटर मिल जाता है आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस हो जाती है ओपन हाउस विद एजुकेटर्स होते हैं जहाँ पे आप डिस्कस कर सकते हो लोन फैसिलिटीज आल्सो अवेलेबल एट दी लाइक नो डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर आप जाइए क्लिक करिए लोन की फैसिलिटी भी अवेलेबल है तो ज़रूर से आप ये कोड के द्वारा हमारे साथ जुड़ सकते हो पी एन लाइव गेट मैक्सिम डिस्काउंट एज वेल जी एस ओ या आइकॉनिक हो अगर आप ऑप्शनल के कोर्स के लिए भी जुड़ना चाहते हैं तो भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं मेरा ऑप्शनल का कोर्स ऑलरेडी लाइव है माई ऑप्शनल कोर्स इज ऑलरेडी लाइव एंड आई हैव जस्ट कवर्ड अप दी पेपर वन ऑफ हिस्ट्री ऑप्शनल है ना हमने पेपर वन को अभी जस्ट खत्म किया है वी आर स्टार्टिंग ऑफ विथ पेपर टू जहाँ पे हम लोग आपको कराएंगे वर्ल्ड हिस्ट्री और मॉडर्न हिस्ट्री है ना तो बहुत मतलब पेपर वन खत्म होने की तैयार के ऊपर है वी आर जस्ट ऑन द वर्ज ऑफ कंप्लीटिंग पेपर वन एज वेल जहाँ मिडिवल हिस्ट्री का मुगल्स का पार्ट खत्म हो गया है अभी मराठाज और थोड़ा बहुत इधर उधर के टॉपिक्स रह गए हैं खैर चलते हैं आगे समझने की कोशिश करते हैं पानीपत के ऊपर अब देखिए पिछले क्लास के अंदर uh, हम लोग पिछले दो दिन से पानीपत के ऊपर चर्चाएँ कर रहे हैं और पानीपत के ऊपर हमारा जो चर्चा का ऑब्जेक्टिव हो उसमें यही चार पॉइंट के ऊपर हम लोग डिस्कस कर रहे हैं पहला है वेन वाई हाउ एंड उसके बाद हम लोग आखिर में देखते हैं कि उसका परिणाम क्या था सर ठीक है तो कल का क्लास अगर आपने याद किया होगा तो आपको मैंने पानीपत की पहली लड़ाई ऑलरेडी पढ़ा दी है वी आई हव ऑलरेडी डिस्कस्ड आउट द बैटल ऑफ पानीपत एज़ फॉर एज़ आई रिमेंबर राइट सर ठीक है ना तो हमने पानीपत की पहली लड़ाई के अंदर आपको बताने की कोशिश की थी कि क्यों बाबर और इब्राहिम लोधी के बीच में संघर्ष हुआ और इसका आउटकम क्या रहा सर ठीक है ना तो फिफ्टीन में जब फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत हुआ इसके आउटकम के रूप में आप समझिए कि अफगान हार गए थे और अफगान जब हार गए तो अफगान्स नाराज थे अफगान्स को लगा कि नो वी शुड टेक द रिवेंच वी शुड फाइट बैक एंड थ्रो द मुगल्स आउट ऑफ दिस कंट्री अफगान्स भी खोर बाहर के ही थे पर अफगान्स तो बहुत पहले से आगे स्थाई हो चुके हैं मुगल्स के सौ डेढ़ साल पहले तो अगेन यू विल फाइंड कि फिफ्टीन तक आते आते क्या हुआ दी सेकेंड पानीपत विल टेक प्लेस राइट सर है ना तो सेकंड पानीपत वॉज अ रेट्रीब्यूशन बाय द अफगानस अफग़ान्स जो पहले पानीपत में हार गए थे इब्राहिम लोधी उसी के ही दूसरे एक अफगान भाई थे सदसूर ये सुर लोग कहते हैं कि भाई मेरे सुर मेरा तुम्हारा तो सुर बने हमारा सा ठीक है तो इन्होंने फिर अकबर के सामने लड़ाई करवा दी और अकबर उस टाइम पे बहुत छोटा बच्चा था अकबर का जो रीजन था बैरम खान बैरम ने डिसाइड किया कि मैं अफग़ानों के साथ मरते दम तक फाइट करूंगा एंड बैरम वॉज एबल टू तो डिफीट द अफगान सेकंड से बैटल ऑफ पानीपत हमने कल के क्लास के अंदर सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत को भी पढ़ा था वी हैड ऑलरेडी स्टडीड आउट द सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत एज वेल एंड यू विल सी दैट वहाँ पे आपको Uh, बहुत इंटरेस्टिंगली uh, कहानी मिलती है कि सेकेंड बैटल ऑफ पानीपत के साथ किन किन प्रकार की घटनाएं होती है राइट सर ठीक है ना तो बहुत इंटरेस्टिंग uh, पार्ट आपको यहां से मिल जाता है सेकेंड बैटल के बारे में अब समझने की कोशिश करते हैं कि सेकेंड बैटल का आउटकम क्या रहा था व्हाट वाज द सेकेंड बैटल ऑफ आउटकम एंड दिस विल लीड टू द थर्ड पानीपत सर ठीक है ना तो सेकंड बैटल का आउटकम और थर्ड पानीपत कैसे हुआ इंटरेस्टिंगली अब समझने की कोशिश करते हैं तो चलते हैं आगे और देखते हैं कि आ, क्या हुआ था एक्चुअली सेकेंड बैटल के बाद दिस विल लीड टू द सर्कमस्टेंसेज और उसके बाद थर्ड पानीपत होती है सर ठीक है तो आपको जानकारी होगी कि थर्ड पानीपत की लड़ाई 1761 में हुई मराठास और अहमद शाह अब्दली के बीच में मराठास की तरफ से अगर आप समझने की कोशिश करिए बालाजी बाजीराव पेशवा हुआ करते थे और बालाजी बाजीराव जिन्हें हम लोग नाना साहेब के रूप में भी पहचानते हैं ये नाना साहेब अपने संतानों को भेजेंगे सर है ना सो ही विल बी सेंडिंग विश्वास राव एट द फोर फ्रंट और विश्वास राव को कहते हैं कि आप जाइए और फाइट करिए टू डिफीट दी अफ़ग़ान सर है ना तो हम देखते हैं कि ये तीसरे पानीपत में कैरेक्टर कैसे बदल गए और ये तीसरे पानीपत की जो लड़ाई है उसमें अहमद शाह अब्दली जो अफ़ग़ान एम्पायर के राजा हुआ करता था सर ठीक है वो कैसे मराठास के सामने फ़ाइट करने आ गए और मराठास कैसे दिल्ली के ऊपर आ गए क्योंकि अभी तक हम लोग देख रहे हैं पानीपत की थीम में उसमें क्या देख रहे हैं पानीपत की थीम में आपको यह दिख रहा है कि पहली पानीपत में अफगान वर्सेस मुगल्स हुए थे दूसरी पानीपत अगर आप समझने की कोशिश करो जो जो थीम हमको देखने को मिल रही है उसमें भी अफगान वर्सेस मुगल ही हुआ करते थे कि भाई अफगान शासक और मुगल शासकों के बीच में लड़ाई हो रही है तीसरी पानीपत की हम लोग कहानी देखते हैं तो हमको क्या पता चल रहा है अफगान वर्सेज मराठास देख रहे हैं मतलब ये है कि मुगलों की जगह मराठाज ने ले ली है सर है ना आप एक थीम के हिसाब से इसको समझने की कोशिश करिए यू ट्राई टू सी दिस फ्रॉम द थीमेटिक आप इसको एक थीम के हिसाब से देखने की कोशिश करिए यू ट्राई टू सी दिस फ्रॉम द थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको क्या दिख रहा है वॉट वी कैन सी फ्रॉम द थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से हमको एक ही चीज दिख रही है कि यहाँ पे मराठा और अफगान्स के बीच में लड़ाई हुई मतलब यह है कि पहली पानीपत में मुगल्स जहां फाइट कर रहे थे दूसरी पानीपत में मुगल्स जहां फ़ाइट कर रहे थे बट इन द थर्ड पानीपत वी विल फाइंड द मराठास आर कमिंग इनटू द पिक्चर मतलब कुछ ऐसी घटनाएं हुई होगी कि 1556 से लेके 1761 तक मतलब करीबन 200 साल का डिफरेंस हो गया है पर बिटवीन दिस 200 हंड्रेड ईयर्स ऑफ टाइम फ्रेम एंड टू हंड्रेड ऑफ डिफरेंस वॉट डू वी सी ओवर हियर वी सी द मराठाजर ओवर शेड द मुगल एम्पायर मतलब ये है दोस्तों कि मराठास अब मुगल एम्पायर के ऊपर आ गए हैं और मराठास मुगल्स को डोमिनेट करने की कोशिश कर रहे हैं और बेसिकली ये अब अफगानों के साथ फाइट करने के लिए तैयार है सर ठीक है ना तो अब पहले देखते हैं कि सेकेंड पानीपत के बाद हुआ क्या था व्हाट वाज द आउटकम ऑफ सेकेंड पानीपत दिस आउटकम विल एक्चुअली लीड टू द इवेंट्स और ये लीड्स जो थी ये दो साल के बाद एक ऐसे परिस्थिति को जन्म देगी जिसके कारण हम लोग क्या कहते हैं द थर्ड पानीपत विल टेक प्लेस सर ठीक है ना तो अब थोड़ा बहुत इसके पार्ट के ऊपर चले जाते हैं लेटस गो टू दिस पार्ट ऑफ हिस्ट्री एंड लेटस ट्राई टू अंडरस्टैंड द इवेंट्स आफ्टर द सेकेंड पानीपत कुछ ऐसी घटनाएं हुई थी कुछ कैसे इंसिडेंट्स हुए थे कुछ ऐसी वाकयाएं हुई थी जिसके कारण ये तीसरे पानीपत की तरफ भारत को फिर से ढकेला गया और फिर से आप देखोगे तो एक एक्सटर्नल पावर आके जीत जाता है इस बार अफगान से एक्सटर्नल पावर थे पिछले दो पानीपत के अंदर हमने समझा था कि अफगान से इंटरनल पावर थे और मुगल्स एक्सटर्नल पावर हुआ करते थे सर ठीक है ना तो हालात बदल गए जज्बात बदल गए वाली कहानी आपको यहाँ से दिखेगी हम ये भी समझेंगे कि ये हालात बदल गए जज्बात बदल गए क्यों होता है कैसे होता है इसके पीछे कौन से कौन से परिणाम रिस्पॉन्सिबल थे आ, किस प्रकार की घटनाएं रिस्पॉन्सिबल थी सर ठीक है ना एवरी इज़ पार्ट एंड पार्सल ऑफ दिस होल स्टोरी और चलते हैं आगे और समझने की कोशिश करते हैं पानीपत के अंतर्गत किन किन प्रकारों को घटनाओं को अंजाम दिया जाता है वॉट काइंड ऑफ इवेंट्स टुक प्लेस आफ्टर द सेकेंड पानीपत सर ठीक है अब देखिए सेकेंड पानीपत के बाद आज हमारा जो क्लास रहेगा उसमें हम लोग मेनली अब डिस्कशंस करेंगे विथ रेफरेंस टू द स्टोरी ऑफ द मुगल्स और उसके बाद मैं आपको थर्ड पानीपत लेके जाऊंगा अब देखिए तीसरी पानीपत की लड़ाई 1761 के अंदर होती है समवेयर इन द जनवरी 1761 यू विल फाइंड द थर्ड पानीपत विल टेक प्लेस सर ठीक है सेकेंड पानीपत हमने देखी थी कि नवंबर 1556 के अंदर हुई थी सर ठीक है ना तो इसके बीच में आप पकड़ के चलिए कि 1556 से लेके 1756 आ, 200 साल और उसके बाद और पाँच साल ऐड करिए तो 205 साल का अंतर है सर है ना ये 205 साल के अंतर में बहुत सारे बदलाव आ चुके हैं देर आर सो बिग चेंजिस दैट बाई 1761 सिक्सटी वन यहाँ पे जो मुगल्स वर्सेज अफगान्स की कहानी हो रही है और मुगल्स बेसिकली आप देखोगे तो आउटसाइडर्स के रूप में हमको मिल रहे थे सेकेंड पानीपत के अंदर वो मुगल्स आप पकड़िए कि थर्ड पानीपत में तो गायब ही हो गए हैं यहाँ पे हमको पता चल रहा है कि अफ़ग़ान से एक आउटसाइडर्स के रूप में थे और उसके सामने हम लोग जब देखेंगे मराठास को तो मराठास हमको कहाँ पे दिख रहे हैं मराठास कैन बी सीन इन द इनसाइडर फॉर्मेट इनसाइडर मतलब ये अंदरूनी पावर थे ये इंटरनल पावर थे एंड देन यू विल फाइंड कि इन दिस केस ऑफ द मराठास वी विल फाइंड कि मराठास एक बहुत ही बड़ा प्रोमिनेंट अथॉरिटी के रूप में उभर के आए थे सर ठीक है तो अब देखते हैं कि आ, क्या कहानी है और अकबर क्या करता है फिफ्टीन फिफ्टी सिक्स के बाद सर ठीक है अकबर के बाद यू विल फाइंड कि आ, जहांगीर विल कम टू पावर जहांगीर के बाद आप समझने की कोशिश करिए शाहजहाँ विलकम टू पावर और शाहजहाँ के बाद आप समझिए कि आ, दी औरंगजेब विलकम टू पावर है ना तो औरंगजेब के बाद आपको मराठास का ग्रोथ देखने को मिलेगा एक्चुअली मराठास का ग्रोथ औरंगजेब के समय तक होना शुरू हो गया था पर मराठास दिल्ली तक कैसे पहुंचे उसके पीछे बैकग्राउंड में मैं आपको लेके जाना चाहूंगा और आपको यह बताने की कोशिश करूंगा कि हाउ द टॉपिक्स आर इंटरकनेक्टेड विथ ईच अदर वैन इट कम्स टू हिस्टोरिकल डेवलपमेंट्स एंड हाउ द हिस्टोरिकल प्रोग्रेस सर ठीक है ना तो अकबर के ऊपर थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं जहांगीर और फिर औरंगजेब के ऊपर करेंगे सर है ना एक ब्रीफ समझने की कोशिश करते हैं कि हुआ क्या था सर है ना जिसके कारण मराठास इतने शक्तिशाली हो गए मुझे आपको पढ़ाना है कि थर्ड पानीपत में अफगान्स और मराठास के बीच में लड़ाई हुई जो सेवनटीन में है मुझे आपको ये पढ़ाना है कि हाउ मराठास बिकम सो पावरफुल दैट दे एक्चुअली टॉपल द मुगल एम्पायर एंड दे वर वंस हु स्टार्टेड काउंटरिंग द अफगान्स नॉर्मल केसेस में यह हुआ करता था कि अफगान्स और मुगल्स नॉर्थ इंडिया के लिए फाइट कर रहे थे पहले दो पानीपत के अंदर आपको क्या देखने को मिला अफगान्स और मुगल्स ही फाइट कर रहे हैं एवरी वन मुगल्स और, मुगल्स, और मुगल्स न? सब जगह के ऊपर हमको यही ट्रेंड देखने को मिल रहा है हियर 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 इन इन दिस दिस केस केस डू वी वी सी सी ओवर कैन दैट अफगान मुगल्स की जगह हमको मराठास और अफगान्स की कहानियां दिखेगी सर ठीक है तो अब थोड़ी बहुत चर्चा करते हैं अफगान अकबर की जहांगीर की शाहजहां की औरंगजेब की फाइनली मराठास के साथ और फिर देखते हैं कि आगे क्या होता है सर ठीक है अब देखिए अकबर की हम लोग जब स्टोरी की बात करेंगे वैन विल बी अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ अकबर वैन अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ जहांगीर वैन विल व्यू अंडरस्टैंड द स्टोरी ऑफ जहाँ जहाँ औरंगजेब सर है ना बहुत सारी चीज़ें बदल रही थी द मल्टीपल थिंग्स दैट आर कमिंग अप ड्यूरिंग दिस पीरियड अब जब हम लोग अकबर की बात करेंगे तो क्या हुआ अकबर के साथ सर ठीक है तो अकबर ने रूल किया फिफ्टीन से ऑफिशियली क्यों क्योंकि पंद्रह से लेकर पंद्रह तक का जो पीरियड था उसमें बैरम खान जिसने अकबर को पानीपत के युद्ध जताई थी वो बैरम खान शासक के रूप में था सर ठीक है तो अकबर बहुत छोटा था बैरम खान उसके रीजेंट के रूप में काम कर रहा था रीजेंट आपको समझ में आता होगा सर उसका केयरटेकर कह सकते हैं सर ठीक है ना गड़ी मकौन एक राजा का प्रतिनिधि के रूप में कार्य कर रहा है तो बैरम ने पावर को कैप्चर किया था तो अकबर को समझ में आया कि बैरम खान इज़ डूइंग अ रिवॉल्ट अगेंस्ट हिम और फिर अकबर ने बैरम को कहा कि एट टू ब्रिटस है ना एट टू बैरम सर है ना तो बैरम को हटा दिया गया और फिफ्टीन से लेके सिक्सटीन तक आप पकड़ने की कोशिश करिए अकबर का कार्यकाल रहता है अब देखिए अकबर के कार्यकाल में हुआ क्या था वॉट हैपन इन द पीरियड ऑफ अकबर सर ठीक है अकबर के कार्यकाल में आपको ये चीज़ दिखेगी कि ऑलमोस्ट नॉर्थ इंडिया और नर्मदा का किनारा सर है ना थोड़ा बहुत ईस्टर्न इंडिया एंड यू विल फाइंड नॉर्थ वेस्ट इंडिया ऑल दिस एरियाज वॉज सिक्योर्ड बाय अकबर सर ठीक है ना सोलह तक आते आते उत्तर भारत आज का गुजरात गुजरात से लेकर दखन के अंदर आप अहमदनगर जैसे राज्यों के ऊपर भी अकबर का प्रभाव पड़ना शुरू हो चुका है मतलब यह है कि अकबर ने उत्तर भारत नॉर्थ इंडिया का पूरा का पूरा पॉलिटिकल कंसोलिडेशन कर दिया था मेवाड़ राज्यों को छोड़ के ज़्यादातर राज्य इनफैक्ट आप राजस्थान के अंदर राजपूताना स्टेट के बारे में भी देखेंगे तो अकबर की अधीनता को स्वीकार चुके हैं दे हैव एक्सेप्टेड द अथॉरिटी ऑफ अकबर दे हैव एक्सेप्टेड द सुजेरिटी ऑफ द मुगल्स एंड दे हैव रियलाइज कि भाई मुगल्स के साथ बीट बैठ के काम करेंगे मिल काम करेंगे तो ज़्यादा ठीक रहेगा सर ठीक है समय आगे गया और अकबर की मृत्यु होती है और अकबर की मृत्यु के बाद उसका बेटा सलीम अका जहांगीर मतलब सलीम उर्फे जहांगीर जिसे हम लोग पहचानते हैं वो पावर के ऊपर आया सोलह पाँच सो से सोलह सो के बीच में ये पावर के ऊपर रहते हैं अब प्रॉब्लम ये होता है कि जहांगीर वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रांग रूलर सर ठीक है तो बिकॉज ही वॉज नॉट अ वेरी स्ट्रॉन्ग रूलर तो एक झूंटा करके ग्रुप हुआ करता था झूनटा ग्रुप का मतलब ये है कि उसमें नूरजहाँ हुआ करती थी नूरजहाँ के फादर हुआ करते थे नूरजहाँ के ब्रदर हुआ करते थे जो जहांगीर को कंट्रोल करके बैठे थे और जहांगीर के शासन को चला रहे थे खैर जहांगीर स्टार्टेड एक्सपांडिंग इस एम्पायर उन्होंने मेवाड़ के ऊपर युद्ध किए थे सर ठीक है एक दो जगह के ऊपर और भी उन्होंने आक्रमण करने की कोशिश की थी बट यूल सी कि जहांगीर पॉलिटिकली उसने ज़्यादा प्रोमिनंस के ऊपर नहीं है सिवा कि मेवाड़ के साथ एक अच्छी ट्रिटी करके आके मेवाड़ का रास्ता खोलने की कोशिश की उन्होंने सर। जहांगीर का समय खत्म हुआ और उसके बाद आया शाहजहां। इस पीरियड तक आते-आते, आते-आते कि कि साउथ के 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 अंदर काफी सारे बदलाव हुए हैं। हैं, की खासियत यह है कि जिसे हम खुर्रम के नाम से पहचानते ये महाशय तक आते आते पावर के आया और 1658 तक, मतलब uh, दक्षण वाले भारत में मतलब आज के साउथ इंडिया वाले रीजन को कैप्चर करने का ठान लिया था और यही शाहजहां ने अपने संतान औरंगजेब को सर है ना अपॉइंट किया था एज द गवर्नर ऑफ दखन सर ठीक है ये वो पीरियड है जब मराठास के अंदर हम लोग बात करेंगे तो छत्रपति शिवाजी महाराज का जन्म हो चुका है सर ठीक है बट छत्रपति इज वेरी यंग एट दैट टाइम सर है ना यू विल सी दैट ही वाज वेरी यंग वेरी यंग इसके लिए क्योंकि उनका जन्म इसी साल हुआ था जब शाहजहाँ पावर के ऊपर आया था पर शाहजहाँ अपने क्लाइमैक्स में पहुंचा है सोलह से लेकर सोलह के, के पीरियड में उस पीरियड में मराठा स्वराज की जो विचार है ये मराठा स्वराज की विचार छत्रपति शिवाजी कर चुके हैं सर ठीक है और इसके कारण जब औरंगजेब पावर के ऊपर आया 1658 से लेके 1707 तक इस पीरियड में औरंगजेब हैड कंटिन्यूस कन्फ्लिक्ट विथ दी मराठा सर के पॉइंट समझे आप लोगों को ना? आपको ये देखना है कि हो क्या रहा है इतिहास के अंदर यू आर सपोज टू सी यू आर सपोज टू अंडरस्टैंड कि वॉट इज हैपनिंग इन द मराठा वॉट इज हैपनिंग इन द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन वॉट इज हैपनिंग हाउ द मराठाज आर एक्चुअली कमिंग अप है समझे आप लोग ठीक है तो हम क्या करते हैं कि सेकेंड पानीपत की एक ब्रीफ इफेक्ट्स को देख लेते हैं सर ठीक है और सेकेंड पानीपत की ब्रीफ इफेक्ट्स को समझ लेंगे विथ रिस्पेक्ट टू द मराठा आई आई वुड से एम्पायर बिल्डिंग एंड विल ट्राई टू सी इट विथ ऑल्सो रेफरेंस टू की वॉट वॉट हैपनड फर्दर सर ठीक है ना अब आप देखिए सेकेंड uh, पानीपत की एक इम्पैक्ट क्या होती है सर है ना सेकेंड पानीपत की अगर आप मुझे इम्पैक्ट के ऊपर मुझे बताओगे तो दो प्रकार की इम्पैक्ट आपको देखने को मिलेगी सर ठीक है इसकी एक शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है सर शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट है और दूसरी आप इस, इसको देखोगे तो आपको इमीडिएट या लॉन्ग टर्म इम्पैक्ट देखेगी सर है ना गेडिंग अपॉइंट तो शॉर्ट टर्म इम्पैक्ट के अंदर हमको ये दिख रहा है कि द फाइनली द एंड ऑफ दी अफगान्स टुक प्लेस और अफगान्स उसके बाद ज़्यादा टिक नहीं पाते हैं सर ठीक है ना गेडिंग अपॉइंट दूसरी हमको ये भी पता चल रही है कि मुगल एम्पायर को फिर से पॉलिटिकल सर्वाइवल का चांस मिल गया सर सर्वाइवल का चांस इसके लिए मैं बता रहा हूँ क्योंकि मुगल एम्पायर के अंदर अभी अकबर तो छोटा ही था अकबर वॉज क्वाइट यंग एट दैट टाइम सो इवन इट वॉज नॉट श्योर फ्रॉम द अकबर पॉइंट ऑफ व्यू कि आफ्टर विनिंग द सेकेंड पानीपत दे विल बी एबल टू सर्वाइव फ्लरिश एंड प्रोस्पर एज वेल सर गेटिंग अ पॉइंट ओके तो इसमें दो प्रकार की चीज़ें दिखेगी पॉलिटिकल सर्वाइवल थोड़ा बहुत मुगल्स का हुआ था मुगल्स वर वंस एवर टू एक्चर दी दि दिल्ली एंड आगरा रीजन और ये उनके लिए काफ़ी फ़ायदेकारक भी रहा था सर ठीक है ना इनको ये डर था कि फिर से अफगान्स ना आ जाए तो अफ़ग़ान्स को इन्होंने हटाया भी था सर ठीक है बट हमको लॉन्ग टर्म के पॉइंट ऑफ व्यू से ये देखना है कि लॉन्ग टर्म में क्या हुआ सर है ना तो अकबर ने जब पावर को कंसोलिडेट किया कब से कंसोलिडेट करना शुरू किया 1605 सौ ऑनवर्ड से सर ठीक है सो व्हेन अकबर स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग द पॉलिटिकल पावर फ्रॉम 1605 हंड्रेड एंड फाइव ऑनवर्ड्स मार्क माई वर्ड्स वेन अकबर स्टार्टेड कंसोलिडेटिंग द पोलिटिकल पावर फ्रॉम सिक्सटीन ऑनवर्ड्स वी विल फाइंड की अ फर्दर डेवलपमेंट विल टेक प्लेस ये जो फर्दर डेवलपमेंट हम लोग अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से देखने की कोशिश करेंगे तो हमको ये पता चल रहा है कि भारत की पॉलिटिकल भारत की सोसाइटी भारत के अंदर अगर आप देखोगे इकोनॉमी और आखिर के अंदर अकबर की एक प्रोसेस चलती है जिसे हम लोग कहते हैं द प्रोसेस ऑफ नेशन बिल्डिंग ये नेशन बिल्डिंग की प्रक्रिया भी शुरू हो जाएगी सर ठीक है ना सो so, इस पीरियड तक आते आते 1605 में अकबर ने राजकीय एक्सपांशन किया सर मैंने आपको बताया कि अभी नक्शा ड्रॉ करके ऑलमोस्ट उत्तर भारत को उसने कैप्चर करवाया सर ठीक है ना अकबर हैड ऑलरेडी कैप्चर्ड द रीजन अप टू दी नर्मदा एज वेल well, सर ठीक है ना तो इन सब रीजन्स को अकबर कैप्चर करवा के ये प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा है कि भाई देखिए मेरे पास क्या दबदबा है सर ठीक है सामाजिक रूप से अगर आप समझिए कि अकबर की रिलीजियस पॉलिसीज़ और अकबर की राजपूत पॉलिसीज़ बहुत फेमस है सर ठीक है तो आप हमारे प्लस कोर्सेज के अंदर आइएगा यू विल एक्चुअली एन्जॉय दिस होल प्रोसेस ऑफ राजपूत पॉलिसीज़ बाय अकबर कि अकबर कैसे राजपूतों के साथ अपने डिप्लोमेटिक रिलेशंस एस्टैब्लिश करता है बाय बाय साइनिंग मैट्रमोल अलायंसेज एंड यू विल फाइंड कि ये मेट्रामोल अलायंसेज के द्वारा अकबर इनफैक्ट uh, है ना राजपूतों को अपने साथ एडमिनिस्ट्रेशन में अपनी पॉलिटिकल स्ट्रक्चर के अंदर इंक्लूड करेगा उनको डिग्निफाइड वे के अंदर ट्रीट भी करेगा और जरूर पढ़ने के ऊपर अपने आप को गाजी भी कहता है और कहता है कि मैं तो रिलीजियस वॉर में जिहाद कर रहे रिकला हो सर ठीक है ना तो अकबर की ड्यूअर पर्सनैलिटी है राजपूतों को लेकर बट खैर कभी बाद में बात करेंगे आप ऑप्शनल के कोर्सेज के अंदर जुड़ेंगे तो इसके ऊपर जरूर से चर्चा करेंगे अकबर के समय पर भारत की अर्थव्यवस्था के भी ट्रांसफॉर्मेशन हुआ क्योंकि जब एम्पायर बिल्डिंग होता है तो इकोनॉमिक डेवलपमेंट भी होगा सर ठीक है और भारत को एक क्लोज निट एम्पायर के रूप में अकबर ने नेशन के रूप में बनाने की कोशिश की सर ठीक है ना गेटिंग अब नेशन के रूप में बनाने का मतलब यह कह मीन द वर्ड नेशन बिल्डिंग सर है ना सो वेन वी सी फ्रॉ दी अकबर के पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि नेशन बिल्डिंग के द्वारा अकबर ये प्रूव करवाने की कोशिश कर रहा है कि बाबू देखिए मैं किस तरह से यहाँ पे अपना साम्राज्य निर्धारित कर रहा हूँ और इंडिया को सोशियो कल्चरल पॉलिटिकल इकोनॉमिकल सब जगह पे यूनाइटेड कर रहा हूं ठीक है ना गेटिंग तो अकबर की ये पॉलिसीज के द्वारा आगे के शासक जो थे उनको काफी फायदा मिला अब देखिए इस पीरियड के बाद अफगानों का थ्रेट बहुत कम हो गया है क्योंकि अफगान सब भारत के तरफ टाइम बिंग आंख उठा के नहीं देखेंगे क्योंकि उनको समझ में आया कि अकबर आ चुका है सर ठीक है ना अकबर के बाद मैंने आपको बताया कि जहांगीर पावर के ऊपर आया सर ठीक है ना और जहांगीर के पावर के ऊपर आने के तक आते आते यू विल फाइंड की हालत बदल गए जज्बात बदल गए सर ठीक है अब ऐसा तो क्या हुआ था वॉट हैपन विद द केस ऑफ जहांगीर सर ठीक है जहांगीर वॉज द वन जिसके समय पर पोलिटिकल एक्सपांशन तो ज़्यादा नहीं हो पाया पर जहांगीर बिकॉज ही वॉज अंडर दी कंट्रोल ऑफ द जुंटा गवर्नमेंट जुंटा मतलब वही उसको कोई गाइड करने वाले एक अथॉरिटी हुआ करती थी सर है ना तो जहांगीर की सत्ता लिमिटेड थी शाहजहाँ के केस में भी हमको यही मिल रहा है इवन इन द केस ऑफ शाहजहाँ ऑल्सो सर विल फाइंड द लिमिटेशन इन द पोलिटिकल थिंग्स एंड बट शाहजहां वॉज एबल टू कंसॉल्टेट इन द डेकन एरिया सर है ना अब आप देखिए कि क्या हुआ सर है ना जहांगीर तो एम्पायर बिल्डिंग के अंतर्गत ज़्यादा कंट्रीब्यूट नहीं कर पाएगा सर ठीक है ना सो यू विल फाइंड कि एम्पायर बिल्डिंग में इसका रोल प्ले आपको बहुत लिमिटेड दिखता है खैर मैं उसके ऊपर अभी नहीं जा रहा हूँ सर जहांगीर का कॉन्ट्रीब्यूशन आपको आर्ट एंड कल्चर में बहुत दिख जाएगा पेंटिंग्स के अंदर और बाकी सारी चीज़ों के अंदर यू विल गेट गुड कॉन्ट्रीब्यूशन ऑफ़ जहांगीरस पेंटिंग एज वेल सर ठीक है ना तो जो सोलह पकड़ के चलिए कि पाँच से लेकर सत्ताईस तक अट्ठाईस तक का जो पीरियड में आपको डेवलपमेंट मिल जाता है सर ठीक है जो कहानी थी वो शाहजहाँ से शुरू होती है और शाहजहाँ बेसिकली पहली बार मराठास के साथ परिचय में आएंगे मराठास के साथ परिचय में आने का मतलब यह है कि मराठास के साथ अब इनके संवाद होने की शुरुआत हो जाएगी क्यों क्योंकि सोलह से लेकर सोलह तक जब शाहजहाँ रूल कर रहा है इस पीरियड के समय पे मराठास का ग्रोथ होना शुरू हुआ था सर ठीक है दिस वाज द पीरियड वेयर शाहजहां वाज ट्राइंग टू कंट्रोल द नॉर्थ इंडिया एंड ही आल्सो थॉट कि उसने बंगाल भी जीत लिया है ही इस थिंकिंग ऑफ एंटरिंग इनटू टू पार्ट ऑफ़ द कंट्री एंड हीयर समवेयर यू विल फाइंड द मराठाज कमिंग इनटू द पॉच ही ठीक है ना अब अब मराठा में क्या था कि पहले ना मराठा सरदार हुआ करते थे अलग अलग प्रकार के यू विल फाइंड डिफरेंट फ्रॉम मराठा सरदार बिलोंगिंग टू डिफरेंट डिफरेंट डायनेस्टीज़ है ना तो आपको घाटगेज यू विल फाइंड द भोसलेस यू विाइंड मराठा सरदारों के रूप में पर्टिकुलरली भोंसलेस विल फाइंड निम्बड़कर यू विल फाइंड मोरेस यू विल फाइंड सावन सर है ना तो ऐसे बहुत सारे आपको मराठा डायनेस्टीज के रूलर्स दिखेंगे छोटे बड़े शासक दिख जाएंगे सर ठीक है आ, जो मेनली अगर आप समझें कि मराठा को रिवाइव करने की कोशिश कर रहे हैं अगेंस्ट द मुगल्स और उस टाइम पे साउथ इंडिया के अंदर एक और राजकीय ताकत हुआ करती थी जिसे हम लोग कहते हैं दखनी सुल्तान सर ठीक है ना तो मराठास ने इनके अंडर में काम करना शुरू किया था मराठास की मुगल्स के साथ कंफ्लिक क्यों होती है क्योंकि मुगल्स जब दक्षिण में पहुंचना शुरू करते हैं वैन द मुगल्स है साउदर्न पार्ट ऑफ द कंट्री द मुगल्स रियलाइज किया दे आर अ वेरी बिग फॉर्मिडेबल थ्रेट तो होता यह है कि शाहजहां का टारगेट ये था कि पहले दखन के जो राज्य थे यहाँ पे आपको शाही किंगडम्स दिखेंगे आदिल शाही किंगडम इमान शाही किंगडम बरीदाही किंगतुब शाही किंगडम्स है ना आदिल शाही इमादशाबाही शाही, शाही ये पांचों के पांचों जो शाही किंगडम्स हुआ करते थे ऑल दिस फाइव शाही किंगडम्स दैट वर एक्चुअली एग्जिस्टिंग एंड फ्लरिशिंग शाहजहां डिसाइड करता है कि पहले इनको निपटाया जाए सर ठीक है और इस पीरियड में शाहजहां ने ये साउथ के जो राज्य थे खास करके शाही किंगडम्स उनके सामने लड़ाई कर दी औरंगजेब को यहाँ पे अपॉइंट कर दिया जाता है गवर्नर के रूप में सर ठीक है ना सो so, औरंगजेब एक्चुअली पहले दखन का गवर्नर बनता है और औरंगजेब तब इस समय के दौरान मराठास को भी देखेगा और औरंगजेब दखनी राज्यों को भी देखेगा औरंगजेब ये देख रहा है कि मुझे दखन के स्टेट्स को कैसे भी करके डिफीट करना है इनको डिफाई करना है आज नहीं तो कल मैं ये करने वाला हूँ सर ठीक है टुडे और टुमोरो आई बी डूइंग दिस ओके अब देखिए शाहजहाँ के समय पर होता यह है कि जो नॉर्थ इंडिया अकबर ने सिक्योर किया था सर ठीक है आप देखिए सेकेंड पानीपत के बाद अकबर का जो पॉलिटिकल एक्सपांशन था वो काबुल से लेके दिल्ली तक सब जगह पे कंसोलिडेट हो चुका है सर ठीक है ना काबुल से लेके दिल्ली तक आप सर है ना तो अकबर के समय पे सिंध काबुल दिल्ली वेस्टर्न फ्रंटियर ये सब की सब सिक्योर हुआ करती थी मतलब किसी की हिम्मत नहीं होती थी कि मुगल साम्राज्य के ऊपर आंख उठा के देखे और सामने से आक्रमण करे एक दो दफा उज्बेको ने आक्रमण किया था पर अकबर ने उसको टैकल करवा दिया था सर ठीक है ना तो दिस थिंग शोज़ द अथॉरिटी ऑफ अकबर दिस थिंग शोज़ इज द पॉलिटी ऑफ अकबर दिस थिंग शोज की हाउ अकबर वॉज एक्चुअली यू विल फाइंड कि जिस तरह से डेवलप कर रहा है वो अकबर के डेवलपमेंट के अंतर्गत इनफैक्ट uh, uh, है ना Uh, जो 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 डेवलपमेंट हुआ है अकबर का वो अकबर का इनफैक्ट है ना पॉलिटिकल एक्सपांशन दर्शा रहा है अकबर ने तो ये सब चीज़ें सेफ की थी सर है ना गरिमा पॉइंट अकबर हैड ऑलरेडी सेफ गार्ड ऑल दिस प्लेसिस बट अकबर के बाद शाहजहाँ तक आते आते वी विल फाइंड नॉर्थ इंडिया उससे डिसइंटीग्रेट हुआ नॉर्थ इंडिया का मतलब है कि आज का जो अफगानिस्तान वाला रीजन है ये अफगानिस्तान वाला रीजन शाहजहां घुमा चुका है सर और बिकॉज शाहजहां अफगानिस्तान घुमा चुका है तो मुगल्स को बेसिकली एक प्रकार की थ्रेट थी बट कैसे भी करके इनकी गाड़ी चल गई सर ठीक है अब औरंगजेब ने उस समय के दौरान दक्षिण भारत के अंदर दो बड़े बड़े ताकतों को देखा तो औरंगजेब साउथ के अंदर गवर्नर के रूप में था ना सर तो बिकॉज औरंगजेब वॉज द गवर्नर ऑफ द साउथ औरंगजेब डिसाइडेड कि मैं एक एक करके ये दोनों ताकतों को मैं ख़त्म करूंगा सर ठीक है आज नहीं तो कल मेरा टाइम आएगा और मैं ये दोनों ताकतों से फ़ाइट करूंगा सर ठीक है तो होता यह है कि औरंगजेब अपने दिमाग के अंदर एक पूरा प्लान बना के बैठा है उसने डिसाइड किया कि पहले मैं दखनी स्टेट्स को डिफाइड करूंगा ये दखनी स्टेट्स कौन से हुआ करते थे तो यू विल फाइंड एक बिरार करके स्टेट हुआ करता था एक बीदर करके एक स्टेट हुआ करता था एक बीजापुर करके स्टेट हुआ करता था आप समझने की कोशिश करेंगे तो यू विल फाइंड अ गोलकोंडा स्टेट एज वेल एंड यू विल आल्सो फाइंड द स्टेट ऑफ अहमदनगर सर ठीक है ना सो दिस आर ऑल द कैपिटल्स ऑफ डिफरेंट डिफरेंट दखनी स्टेट्स है ना तो आपको इमाद शही दिखेंगे आपको बरीद शाही दिखेंगे आपको अदिल शाही दिखेंगे आपको कुतुब शाही दिखेंगे आपको निज़ाम शाही दिखेंगे सर ठीक है तो ये जितने भी शाही किंगडम्स थे औरंगजेब कहता है कि पहले मैं इनको डिफ़ीट करूँगा साथों साथ औरंगजेब इसी पीरियड के अंदर मराठास को भी देख रहा है कि यार मराठास आर इमर्जिंग एज वन बिग पावर सर और मराठास में कौन उभर के आया था तो मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया छत्रपति उभर के आए थे छत्रपति शिवाजी महाराज उस समय के दौरान मराठा स्वराज की बात करने की बात कर रहे हैं और हिंदवी स्वराज की बात कर रहे हैं सर है ना तो एक ऐसी कंडीशन क्रिएट हुई थी औरंगजेब ने दख्खन में देख लिया था कि दिस आर द टू बिग फोर्सेज पहले मुझे उनको डिफाई करना पड़ेगा होता यह है कि शाहजहां के पीरियड में अफगानिस्तान इंडिपेंडेंट हुआ है याद रखेगा अभी थर्ड पानीपत के साथ मैं आपको लिंकअप करवाऊंगा सर ठीक है शाहजहां के पीरियड में औरंगजेब नीचे दखन के पावर्स को देख रहे हैं और उसमें मराठास का ग्रोथ होना शुरू हुआ है सर ठीक है औरंगजेब का पीरियड एक ऐसा पीरियड है जो इनफेक्ट है ना हालत बदल जाएगा अब होता क्या है कि 1658 में शाहजहां जो था वो बीमार पड़ गया औरंगज़ेब ने सिविल वॉर किया अपने भाइयों को मारा और पावर के ऊपर आ गया सर ठीक है अब कैसे पावर के ऊपर आया है किस तरह से पावर के ऊपर आया है इट्स अ वेरी लॉन्ग स्टोरी बट या यू विल फाइंड कि यहाँ जो कंडीशंस हम लोग देख रहे हैं वी विद द कंडीशन दैट वी आर एक्चुअली सींग ओवर हीयर ये कंडीशन में अब औरंगजेब की कहानी औरंगजेब की स्टोरी के uh, साथ अब चीज़ों को लिंकअप करने की कोशिश करेंगे सर ठीक है ना अब देखिए औरंगज़ेब का पीरियड क्यों हमारे लिए इंपॉर्टेंट है और औरंगजेब का पीरियड एक्चुअली मराठास के राइस के लिए बहुत जरूरी है सर ठीक है ना औरंगजेब का पीरियड मराठाज के लाइज के लिए ज़रूरी है उसके पीछे का कारण है कि औरंगजेब फिफ्टीन सिक्सटीन फिफ्टी एट से लेकर सेवनटीन जीरो सेवन तक रूल कर रहा है सर है ना सो औरंगजेब इज़ रूलिंग इटवीन द पीरियड ऑफ सिक्सटीन फिफ्टी एट टू सेवनटीन जीरो सेवन एंड ड्यूरिंग दिस टाइम वैन औरंगजेब इज़ रूलिंग ओवर दिस रीजन औरंगजेब जब इस पीरियड के अंदर रूल कर रहा है इस पीरियड के दौरान यू विल सी कि मल्टीपल चेंजेस आर टेकिंग प्लेस बहुत सारे बदलाव हो रहे हैं यू विल ऑल्सो फाइंड कि बहुत सारा पॉलिटिकल एक्सपांशन हुआ औरंगजेब ने अपनी पूरी की पूरी एनर्जी जो है वो दखन की तरफ डाल दी क्योंकि उसको दखन में दो बड़े बड़े राज्य दिख रहे थे पहले तो दखनी स्टेट्स जहाँ पे मैंने आपको बताया था कुतुब शाही निजाम शाही आदिलशाही बरीदशाही एंड इमादशाही सर ठीक है उसमें बरीदशाही और इमादशाही तो खत्म हो गए थे कुतुब शाही निजामशाही और आदिलशाही अभी भी प्रोमिनंटली मुगल्स के सामने डटे हुए हैं सर ठीक है ना दूसरी अगर आप समझने की कोशिश करिए यहाँ पर हमको ये भी पता चल रहा है कि मराठाज भी प्रोमिनंट आ गए थे तो अफगान्स की तो बात देर लेने गई सर ठीक है ना अफगान्स को तो औरंगज़ेब ने ज़्यादा तोज्जो नहीं दिया क्योंकि अफगान्स तो थे नहीं उस टाइम पे बट औरंगज़ेब डिसाइड करता है कि भाई मुझे कैसे भी करके ब्रिटिश ब्रिटिश कहाँ सर ठीक है ना मुगल्स को पावरफुल करना है और मराठास को और दखन को नीचे डिफ़ीट करना है सर ठीक है ना तो औरंगज़ेब ने क्या किया कि दखन को लेके आज के दक्षिण भारत को लेके सर ठीक है ना वहाँ पे उसने इस पीरियड के समय पे समवेयर इन बिटवीन दिस रीजन सर है ना From द ईयर 1658, 1658 till the year 1707, टिल द ईयर सेवनटीन चार अलग अलग कार्यकाल में लड़ाई करना शुरू किया ऐसा कहा जाता है कि औरंगज़ेब ने दक्षिण भारत में चार फेजेस के ऊपर लड़ाई की यह चार फेजेस का परिणाम ये हुआ कि दखनी स्टेट्स को ख़त्म कर दिया गया देवर डिज़ोल्ड एंड देवर एक्चुअली एनेक्स्ट एज अ पार्ट ऑफ द मुगल एम्पायर सर ठीक है ना ज़्यादातर राज्यों को औरंगजेब ने ख़त्म करवाया और उनको मुग़ल साम्राज्य का पार्ट बना दिया औरंगज़ेब करना तो ये चीज़ इनफैक्ट मराठास के साथ भी चाहता था पर औरंगजेब को पता नहीं चला कि वो किसके साथ पंगा ले रहा है क्योंकि उस समय के दौरान मराठा साम्राज्य के जो सबसे मेन राजा उभर के आ चुके थे वो थे छत्रपति शिवाजी महाराज और ये वो टाइम है 1680 तक का जब शिवाजी महाराज स्टिल फाइटिंग एंड एडमेंट नॉट टू एक्सेप्ट द मुगल अथोरिटी से ठीक है तो इस पीरियड में होता यह है कि औरंगजेब मुगलों के शासक के रूप में जब नीचे दक्खन में अपना एक्सपांशन कर रहा है तब मराठास का ग्रोथ होना शुरू हुआ था छत्रपति शिवाजी महाराज ने कल्पना की थी कि एक मराठा हिंदवी साम्राज्य की हम लोग एक नींव रखेंगे और इसके लिए ही कंटिन्यूअसली फॉट अगेंस्ट द मुगल्स खैर उन्होंने मुगल्स के साथ एक बार ट्रीटी भी कर दी अगर आप किताब में देखोगे तो 1664-1665 के आसपास का टाइम दिखेगा जहां पे ट्रिटी ऑफ पुरंदर के द्वारा उन्होंने औरंगजेब के साथ एक टाइम बीइंग एक डिप्लोमेटिक अलायंस करने की भी कोशिश की थी बट औरंगजेब न्यू दैट और छत्रपति शिवाजी महाराज न्यू दैट दे औरंगजेब विल नॉट एक्सेप्ट टू दिस पॉइंट एंड औरंगज़ेब आज नहीं तो कल फिर से बगावत करेगा ही सर ठीक है और हुआ भी ऐसा औरंगज़ेब ने बगावत की और फिर छत्रपति शिवाजी महाराज को जो ट्रीटी की टर्म्स एंड कंडीशन थी उस तरह से रखा नहीं गया उनको आगरा में कैद कर दिया गया था और वहाँ से फिर शिवाजी महाराज निकल जाते हैं उन्होंने मराठा जो साम्राज्य है हिंदी हिंद विश्वराज का जो विचार है मुगलों के सामने रखने के लिए उन्होंने आदेश दिया और लोगों को मोटिवेट करवाया इस मोटिवेशन के द्वारा यू विल फाइंड कि औरंगजेब तो छत्रपति शिवाजी महाराज के साथ फाइट कर रहा है पर 1680 में 1680 में छत्रपति शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई शिवाजी महाराज की मृत्यु होती है तब उसके बाद एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम आया उनके संतान थे सांबाजी इनफैक्ट सांबाजी, पावर के ऊपर आते हैं बट यू विल फाइंड कि इतिहास को कुछ और घटना पसंद थी या कुछ और चीजें पसंद थी एंड यू विल फाइंड कि आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी महाराज वी विल सी हिज सन यू विल फाइंड की सांबाजी विल कम टू पावर सर ठीक है ना तो यू यू सी दैट इस कंडीशन के अंदर सांबाजी पावर के ऊपर आए 1680 से लेके 89 के बीच में इस पीरियड में भी औरंगजेब उनके संतान के साथ फाइट कर रहे हैं संभाजी महाराज के साथ इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करिए औरंगज़ेब ने फाइट किया और वो मराठास के साथ कंटिन्यूसली टसल के ऊपर हैं इनफैक्ट सांबाजी महाराज वॉज सो ब्रेव एंड ही वॉज सो आई वुड से पावरफुल ही डिसाइडेड टू हेल्प अ फ्यूजिटिव सन ऑफ औरंगजेब टू रिबेल अगेंस्ट द मुगल एम्पायर मुग़ल साम्राज्य के सामने सांभाजी महाराज ने औरंगजेब के एक संतान को जो जो विद्रोह कर रहा था उसको मदद देने की वादिश किया सर ठीक है और इसी परिस्थिति के अंतर्गत सामभाजी महाराज को औरंगजेब ने मरवा दिया औरंगजेब ने साभाजी महाराज को ख़त्म करने के बाद यू विल फाइंड कि इस कंडीशन के दौरान उनके जो सन हुआ करते थे शाहू वो शाहू को जेल में डाल दिया कहा गया कि ये छोटे बच्चे हैं पर छोटे बच्चे होने के नाते भी आई विल नॉट अलाउ हिम टू सरवाइव सर ठीक है छत्रपति के एक और संतान हुआ करते थे राजा राम ये राजाराम को सत्ता दी जाती है और इन परिस्थितियों में हमको पता चलता है कि यहाँ पे औरंगजेब ने राजा राम के नाक के ऊपर भी दम करना शुरू कर दिया सो ही डिड डेंट अलाउ दी औरंगज़जेब राजा राम टू कंट्रोल दी मराठा स्टेट एंड द मराठा एडमिनिस्ट्रेशन राजा राम को ये समझ में आ गया था कि देर इज़ नो पॉइंट कि अगर मैं यहाँ पे रहूँगा तो मुगल्स मेरे को ख़त्म कर देंगे राजा राम जी डिसाइड करते हैं कि इट्स बेटर कि मैं अपना एडमिनिस्ट्रेशन किसी और को दे कहीं और सेफ जगह के ऊपर चला जाओ इस कंडीशन में हमको ये पता चलेगा कि राजा राम ने अपना जो पूरा का पूरा एडमिनिस्ट्रेशन था वो दे दिया था पेशवा को वही पेशवा इवेंचुअली आप पकड़ने की कोशिश करोगे 1689 से बहुत पावरफुल होने की शुरुआत हुई वही पेशवा 1761 के अंदर जब थर्ड पानीपत की लड़ाई होगी तो यही अथॉरिटी के ऊपर बैठे हुए एक व्यक्तित्व पानीपत की लड़ाई करेंगे सर गेरी पॉइंट समझे आप लोग तो आप पेशवाशिप के ओरिजिन की तरफ देखिए सर है ना मैं आपको और कुछ नहीं पढ़ा रहा हूँ मुझे आपको एक्चुअली पानीपत के ऊपर लेके जाना है पर मुझे आपको ये बताना है कि तीसरे पानीपत में मराठास की अध्यक्षता कर रहे थे वो कौन थे वो थे आपके बालाजी बाजीराव uh, बाला बाला बाजीरा नाना साहेब कहते हैं उनको यू वो द सन ऑफ बालाजी विश्वनाथ और बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब की जब हम लोग बात करेंगे वेन विल बी डिस्कसिंग बाला बा, बालाजी बाजीराव उर्फ नाना साहेब तो हमको ये भी पता चल रहा है कि इस पीरियड के दौरान इस इस स्ट्रगल के दौरान सर है ना कि नाना साहब की जो पॉलिसीज थी वो पेशवा के रूप में बहुत प्रोमिनंट हुई थी तो ये पेशवा हुआ करते थे और मुझे आपको यही बताना है कि ये जो पेशवाशिप है ये पेशवाशिप कैसे प्रोमिनंस के ऊपर आते आते हाउ द इश्यू ऑफ पेशवाशिप बिकेम वेरी मच प्रोमिनंट एंड ये जो पेशवाशिप है इवेंचुअली डोमिनेट करेगी और अल्टीमेटली आउस्ड करेगी बेसिकली uh, मुगल्स को सर ठीक है ना तो मुगल्स इसके बाद आप देखोगे पेशवास के साथ फाइट करेंगे सर है ना क्योंकि राजा राम जो थे ये राजा राम के ऊपर बहुत प्रेशर डाला जाता है और राजा राम ने जो था पूरा एडमिनिस्ट्रेशन पेशवा को देना शुरू कर दिया था सर ठीक है और वो पेशवा कौन थे वो पेशवा थे रामचंद रामचंद्र पंत अमत्य रामचंद्र पंत अमत्य करके एक पेशवा हुआ करते थे जिनको राजा राम सत्ता देके चले जाते हैं खैर राजा राम को भी मरवा दिया जाता है औरंगजेब के द्वारा और पूरी की पूरी मराठा एडमिनिस्ट्रेशन की जो चाबी है वो राजा राम की वाइफ संभालती है सर ठीक है गेटिंग गेडिंग पॉइंट तो होता क्या है आप समझने की कोशिश करिए यू ट्राई टू अंडरस्टैंड सर है ना शिवाजी महाराज जब तक जिंदा थे तब तक मराठास का ग्रोथ होना शुरू हुआ है मराठास अभी दिल्ली तक जाएंगे सर ठीक है जब तक शिवाजी महाराज जिंदा थे तो मराठास को एक उन्होंने कंसोलिडेट करना शुरू किया है एंड आफ्टर द डेथ ऑफ शिवाजी महाराज यू विल फाइंड कि उनके संतान संभाजी पावर के ऊपर आए एंड संभाजी डिसाइडेड टू रिवॉल्ट अगेंस्ट मराठा मुगल सर ठीक है पर औरंगजेब इनको मरवा देता है औरंगजेब यू विल फाइंड कि इवेंचुअली इनको कत्ल करवा देगा सर ठीक है बिकॉज इन्होंने क्या किया था औरंगजेब के लड़के को शरण दी थी वही लड़का जिसने औरंगजेब के सामने बगावत की थी सर ठीक है इनके संतान हुआ करते थे शाहू और बेसिकली क्या होता है कि औरंगजेब ने इनको जेल में डाल दिया कि भाई नहीं आई एल नॉट अलाउ यू टू रन सर है ना एंड सांबाजी को बेसिकली मरवा दिया जाता है सर इन परिस्थिति में सा्बाजी के जो ब्रदर हुआ करते थे राजाराम और शिवाजी के दूसरे संतान हुआ करते थे राजाराम वो पावर के ऊपर आए औरंगजेब कहता है कि मैं आपको भी नहीं छोड़ूंगा है ना मैं पूरे के पूरे मराठास को ख़त्म कर दूंगा क्योंकि मुझे पता है कि अगर हम मराठास को खत्म नहीं करेंगे मराठास हमें ख़त्म करेंगे सर ठीक है और ये हुआ आफ्टर सेवनटीन आफ्टर द डेथ ऑफ़ औरंगजेब यू विल फाइंड मराठाज विल कम टू एन असेंडेंसी सर ठीक है तो होता यह है कि राजा राम जो थे वो राजा राम को औरंगजेब ख़त्म करवाएगा पर राजा राम ने अपनी जो अथॉरिटी थी वो पेशवा को देके रखी थी ये पेशवा बेसिकली राजा राम की एक वाइफ हुआ करती थी ताराबाई ये ताराबाई के साथ मिल के आप समझने की कोशिश करोगे शासन चलाएंगे सर ठीक है तो होता यह है कि ये पेशवा का नाम था रामचंद्र अवंत्य और ये रामचंद्र अवंत्य इवेंचुअली पेशवाशिप के रूप में अपने आप को एस्टैब्लिश करता है सर ठीक है ये सब घटनाएं बनती है 1680 के बाद सर 1680 में शिवाजी महाराज की मृत्यु हुई थी 1680 से लेके 1707 तक का जो इवेंट है उसमें इतनी सारी घटनाएं बन गई सर ठीक है 1707 में होता यह है कि औरंगजेब का मृत्यु हो गया इन द ईयर 1707 जीरो सेवन देर वॉज अ डेथ ऑफ़ औरंगजेब एंड जब औरंगजेब का मृत्यु हुआ तो देर वॉज ह्यूज पावर वैक्यूम इन डेली दिल्ली में पावर वैक्यूम होता है 1707 के बाद और उसके बाद मराठास के अंदर एक फिर से ग्रोथ और रिवाइवल पीरियड की शुरुआत हुई सर ठीक है ऐसा क्यों हुआ तो दिल्ली के अंदर जब हम लोग बात करेंगे तो दिल्ली के अंदर एक नई सत्ता उभर के आई जिसे हम लोग कहते हैं लेटर मुगल्स अब ये कौन थे सर ठीक है तो लेटर मुगल्स 1707 के बाद औरंगज़ेब के संतान और उसके बाद आगे की जनरेशन के शासक हुआ करते थे ये जितने भी लेटर मुगल्स हुआ करते थे ये एक्चुअल में लेटे हुए थे सर ठीक है ना नगेटिव पॉइंट लेटे होने का मतलब ये है कि इनके पास उतनी शक्ति नहीं थी ना ही इनके पास उतनी ऑथोरिटी थी ना ही ये औरंगज़ेब की तरह या अकबर की तरह प्रैग्मेटिक या रूथलेस अप्रोच के द्वारा शासन करने के काबिल हुआ करते थे सर ठीक है क्योंकि काबिलियत एक बहुत ऐसी चीज़ है जो सबके पास नहीं होती है सर आप शासन के ऊपर आ तो जाओगे वी कैन से कि आपको एक अथॉरिटी दे दी गई है सर है ना पर रियलिटी यह है कि आप उससे आगे नहीं जा पाओगे सर गेटिंग गिडिंग पॉइंट ओके समझे तो ये चीज़ आपको लेटर मुगल्स के अंदर देखने को मिलेगी तो लेटर मुगल्स की कहानी ये है कि लेटर मुगल्स ऑलरेडी कमज़ोर थे लेटर मुगल्स डिड नॉट हैड द अथॉरिटी लेटर मुगल्स डिड नॉट हैड द काइंड ऑफ वी कैन से पावर दैट दी मुगल एम्पायर यूज टू एग्जिस्ट ए न्यू मुगल एम एम एम्पायर यूज टू हैव इन द अर्लियर पीरियड सर ठीक है तो इन परिस्थितियों में हमको एक चीज़ समझ में आ रही है कि लेटर मुगल्स के साथ ऐसी कहानी हुई कि लेटर मुगल्स के आते आते इनफैक्ट है ना यहाँ पे दिल्ली के आजू बाजू वाले विस्तार में वो लोग सीमित रह गए सर है ना लेटर मुगल्स के पीरियड में हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि देर इज डिस इंटीग्रेशन ऑफ द मुगल एम्पायर एंड यू विल फाइंड कि मुगल साम्राज्य पूरी तरह से टूट गया ये डिसइंटीग्रेशन होने के कारण क्या हुआ कि भारत में रीजनल स्टेट्स का डेवलपमेंट हुआ तो एक साइड के ऊपर मराठास का ग्रोथ हो रहा है क्योंकि मराठास अब इंडिपेंडेंट हो चुके थे मराठास की जब हम लोग बात करेंगे तो मराठास के अंदर पेशवा की अथॉरिटी अब दिन बर दिन बढ़ती हो गई थी क्योंकि राजाराम के पीरियड के बाद पेशवा को इनफैक्ट बहुत ही महत्व देने की शुरुआत हो रही है दूसरी डिसइंटीग्रेशन ऑफ मुगल एम्पायर विल लीड टू अ कंडीशन एक ऐसी परिस्थिति को जन्म देगा जहाँ पे हमको ये भी देखने को मिल रहा है कि छोटे 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 रीजनल स्टेट्स का डेवलपमेंट होना शुरू हो गया सर ठीक है तो होता यह है कि 1707 सौ ऑनवर्ड से एक ऐसी पॉलिटिकल सिचुएशन क्रिएट हुई जहाँ लेटर मुगल्स दिल्ली के ऊपर रूल कर रहे हैं सर है ना तो यू यू माइट हैव हर्ड द नेम ऑफ शाह आलम वन और फारुक सियाार और जहन दरसा एंड यू विल फाइंड मोहम्मद शाह रंगीला ऐसे बहुत सारे आपको शासकों का नाम दिखेगा ये 1707 के बाद दिल्ली के ऊपर आए हुए शासक है सर ठीक है ना दे आर ऑल द रूलर्स ऑफ डेली जो लेटर मुगल्स के रूप में सेवनटीन ऑनवर्ड्स के ऊपर आए हुए हैं सर ठीक है ना दूसरी साइड के ऊपर हम लोग समझने की कोशिश करेंगे वैन विल बी ट्राइंग टू अंडरस्टैंड दी रोल एंड द कंडीशन ओवर हियर ही हियर इन द केस ऑफ दी अदर किंग्स सर है ना दूसरे शासकों के रूप में हम लोग जब देखते हैं तो हमको ये भी समझ में आ रहा है वी आर ऑल्सो सीन गए बहुत सारे स्टेट्स निकल के आ रहे हैं जैसे आप देखोगे तो बंगाल बिकेम इंडिपेंडेंट ड्यूरिंग दिस पीरियड सर बंगाल के साथ आप देखोगे तो अवध नाम का स्टेट इंडिपेंडेंट हो गया ये सब मुगलों के सुबह हुआ करते थे सर ठीक है राजस्थान के राजपुताना स्टेट्स अपने आपको इंडिपेंडेंस कर रहे हैं कि भाई देखिए हमको आपके साथ नहीं रहना है सर ठीक है यहाँ पे आप देखोगे तो मराठास का डेवलपमेंट होना शुरू हुआ था और मराठास के अंतर्गत हम लोग को ये देखने को मिल रहा है कि मराठास में जो पेशवा हुआ करते थे ये पेशवा बहुत प्रोमिनेंट के ऊपर हो गए थे ये पेशवा उस टाइम पे बहुत सारे मराठा सरदारों के साथ बैठ के काम करने के लिए तैयार थे सर ठीक है ना सो यू विल फाइंड कि मराठा संघ की स्थापना की जाएगी अभी थोड़ी देर के बाद यू विल आल्सो फाइंड कि इसी पीरियड के अंदर हैदराबाद जैसा स्टेट इंडिपेंडेंट हो गया है यू विल आल्सो फाइंड कि साउथ के अंदर आपको कर्नाटिक नाम का स्टेट इंडिपेंडेंट दिखेगा सर ठीक है यू विल आल्सो सी कि यहाँ पे ऑलरेडी मैसूर तो ऑलरेडी एस्टेब्लिश होकर बैठा हुआ है सर है ना तो खैर टीपू सुल्तान नहीं था वहाँ पर पुराना वड़ियार वंश था बट कहने की बात यह है मेरी कि भारत के अलग अलग विस्तारों में ये लेटर मुगल्स के कारण इनफैक्ट है ना एक ऐसी बड़ी पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुई थी जहाँ अलग अलग शक्तियाँ फाइट कर रही है बंगाल एक प्रोमिनंट स्टेट था मराठा से एक प्रोमिनंट स्टेट थे मुगल्स की कमजोरियत हो गई थी राजपूताना स्टेट्स हुआ करते थे हैदराबाद था कर्नाटिक साउथ के अंदर था मैसूर करके एक स्टेट हुआ करता था जो साउथ के अंदर एग्जिस्ट किया करता था 1707 ऑनवर्ड से हमको ये पता चल रहा है कि दिल्ली की गद्दी के ऊपर लेटर मुगल्स जो थे वो कुछ नहीं कर पाए सर एक राजा आता था और दूसरा जाता था एक आता था और दूसरा जाता था एक आता था दूसरा जाता था सर ठीक है तो इस समय के दौरान 1707 जीरो ऑनवर्ड से हमको एक चीज़ पता चल रही है कि दिल्ली की गद्दी बहुत ही कमज़ोर हुई थी और इसके कारण आप देखोगे तो दिल्ली के राजा के लिए शाह आलम का टाइटल यूज़ होता था पर काफ़ी सारे लोग जोक मारते थे कि ये शाह आलम नहीं ये शाह पालम है सर ठीक है सो फॉर द टाइटल्स फॉर द किंग्स ऑफ डेली देर इज़ टू बी अ टाइटल कॉल्ड ए शाह आलम बट इन रियलिटी दे वर कॉल्ड शाह पालम सर है ना पालम इसके लिए क्योंकि लाल किले से लेके पालम तक ही उनका साम्राज्य था उसके आगे का कोई साम्राज्य आपको नहीं मिलेगा सर ठीक है ना उसके आगे जो थे बहुत सारे और रीजनल स्टेट्स बन के आए थे जैसे आप दिल्ली के बाजू में देखोगे तो आपको जाट दिखेंगे सर है ना तो जाट किंगडम बन के आ गया था सर ठीक है वध स्टेट आपको उभर के आया था बंगाल स्टेट उभर के आया था हैदराबाद करनाठी को उभर के आया था सर ठीक है मराठास की बात करेंगे पेशवाशिप निकल के आ रही थी सर ठीक है ना अब इन सब परिस्थितियों में ये जो लेटर मुगल्स थे ये कमज़ोर हो रहे हैं एक साइड के ऊपर लेटर मुगल्स कमज़ोर हो रहे हैं और आया राम गया राम की कहानी आपको दिख जाएगी सर खैर आया राम गया राम तो एंटी डिफेक्शन लॉ के साथ है सर क्योंकि देर वॉज अ एम एल समवेयर इन नॉर्थ इंडिया एक स्टेट के अंदर जो इनफैक्ट है ना एक दो बार सॉरी uh, तो मैं आपको बता रहा था कि एंटी डिफेक्शन की कहानी कि नॉर्थ इंडिया in जो एक दो बार पक्ष पलटा करते हैं मतलब है ना एंटी डिफेक्शन करते हैं एक पार्टी से दूसरी पार्टी में ज्वाइन करेंगे और दूसरे से तीसरे में ज्वाइन करेंगे सर ठीक है तो इसी चक्कर के अंदर अगर आप समझिए कि एक ऐसी परिस्थिति का सर्जन हुआ जहां पे हमको ये देखने को मिल रहा है कि फिर सरकार ने टेंथ स्कड्यूल को पास करवाया और फिर उसको स्टॉप किया सर ठीक है दिल्ली में ऐसा हो रहा था कि बहुत सारे राजा इमीडिएट टाइम पीरियड के अंदर बदल के आ गए सर ठीक है इमीडिएट टाइम पीरियड का मतलब ये होगा कि आप आप पकड़ के चलिए कि तात्कालिक रूप से उनको आ, 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 आना जाना होता है सर आना जाने का मतलब काइंड ऑफ एक ऐसी परिस्थिति हम लोग कह सकते हैं जहाँ पे एक राजा आएगा दूसरा आएगा तीसरा आएगा चौथा आएगा पाँचवा आएगा सर ठीक है ना तो मुगल्स पर कंटिन्यूसली चेंज हो रहे थे तो उस कंटिन्यूस चेंज होके सर ठीक है ना तो पहले आप समझने की कोशिश करिए कि एक राजा आता है आलम वन या बहादुर शाह कहते हैं उसके बाद आपको जहनदर शाह करके एक राजा दिख जाएगा सर ठीक है फिर फारूक सियाार पावर के ऊपर आया फारूक सियाार तक आते आते मुगल साम्राज्य को थोड़ा स्टेबल करने की कोशिश की गई उसके बाद रफी आता है यू विल फाइंड रफी आएगा उसके बाद मोहम्मद शाह रंगीला आएगा और रंगीला तक आते आते मुगल साम्राज्य ऑलमोस्ट टूटने की कगार के ऊपर आ चुका है सर ठीक है ना नगेडिमा पॉइंट तो होता यह है कि पहले पाँच राजाओं के समय पर सर दिल्ली के अंदर आप पकड़िए सत्रह और जो छठा राजा था छठा राजा के रूप में हम लोग मोहम्मद शाह रंगीला के रूप में पहचानते हैं ये रंगीला आया था सत्रह में सर है ना एंड 1719 से लेकर 1748 तक रूल करता है इस पीरियड में मैक्सिमम डिसइंटीग्रेशन हुआ था सर ठीक है ड्यूरिंग दिस पीरियड मैक्सिमम डिसइटिग्रेशन टू प्लेस मैक्म डिसइंटिग्रेशन का मतलब यह है कि इस समय के दौरान अच्छे अच्छे मुगल जो पुराने स्टेट्स हुआ करते थे मुग़ल सूबे हुआ करते थे वो अपने आप को इंडिपेंडेंट कर देते थे वो कहते हैं कि भाई हमको मुगलों के साथ नहीं रहना तो बंगाल एक स्टेट के रूप में इमर्ज होकर आ गया अवध उभर के आ गया एंड देन यू विल फाइंड की अवध मतलब आज का लखनऊ वाला प्रदेश सर ठीक है ना हैदराबाद है कर्नाटिक जैसे स्टेट्स निकल के आ गया कि भाई दे दे विल नॉट एक्सेप्ट द मुग़ल सोजोरिटी एंड मुगल अथॉरिटी सर ठीक है तो एक ऐसी पावर वैक्यूम हो गई थी या आप कह सकते हो कि राजा कमज़ोर था और इस पीरियड में नॉर्थ वेस्ट से इन्वेजन्स होने भी शुरू हो जाएंगे सर ठीक है गेडिंग ऑफ पॉइंट तो क्या हो रहा है कि एक साइड के ऊपर मराठास का ग्रोथ हो रहा है दिस इज द पीरियड वेन द मराठास आर ग्रोइंग सर दूसरा हमको ये मिल रहा है कि इसी पीरियड के दौरान उत्तर भारत से इन्वेजन होने शुरू हो रहे हैं सर ठीक है और जब रंगीला रूल कर रहा था तब हमको पता चलेगा कि समवेयर इन सेवनटीन जन फ्रॉम सेंट्रल एशिया नादिर शाहरानी ओरिजिन का शासक था जिसने दिल्ली के ऊपर आक्रमण किया था और आक्रमण ऐसा किया था कि ऐसे में कुर्सी के ऊपर बैठा हूँ ना ये जो चेयर आपको दिख रही है ना मेरे पीछे सर फिर तो मुगल बादशाह की एक चेयर हुआ करती थी उसको मयूरासन कहते थे पिकॉक थ्रोन कहते थे शाहजहाँ ने बनाया था सर ठीक है सोने वाला एकदम बहुत बढ़िया मीना काम किया हुआ था वो गद्दी को उठा के नादिर शाह लेके चला गया और तहस नहस करके गया प्लंडरिंग करके सर ठीक है तो नादिरशाह का आक्रमण के द्वारा हमको एक चीज़ समझ में आ रही थी कि यहाँ एक बहुत बड़ा पॉलिटिकल वैक्यूम क्रिएट हुआ है और ये जो पॉलिटिकल वैक्यूम है ये इवेंचुअली मुगलों को डुबा देगा मुग़लों की डूबने की शुरुआत में आप समझने की कोशिश करिए कि मराठास का ग्रोथ हो रहा है और मराठास के अंदर कौन प्रोमिनेंट हो रहा है पेशवा यही पेशवा एक समय के दौरान दिल्ली के ऊपर पहुंचेंगे और दिल्ली के ऊपर जब वो अपना गढ़ बनाएंगे तो उनकी कन्फ्लिक्स फिर उसके बाद उत्तर भारत में और बढ़ेगी एंड दिस विल लीड टू दी थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सर समझ में आ रहा है आपको सर ठीक है आपको पिक्चर समझ में आ रहा है कि क्या हुआ है वॉट इज़ हैपन सर है ना मराठास एक्चुअली में पहले एक छोटे राज्यों के अंदर से सर आप मराठास का ग्रोथ लाइन देखिए सर है ना आप मराठास का ग्रोथ लाइन देखिए सर मैं मराठास और घंस के बीच में अब थोड़ा बहुत आपको लेके जाना चाहूँगा सर ठीक है यू सी द ग्रोथ ऑफ द मराठा मराठास को तीन पीरियड के अंदर समझा जा सकता है सर ठीक है ना यू कैन सी द मराठा फ्रॉम द थ्री पॉइंट ऑफ व्यू आर द थ्री पीरियड सर ठीक है मराठा को पहले आप देखने की कोशिश करोगे वह है सेवनटीन सेंचुरी के अंदर सेवनटीन सेंचुरी का मतलब है कि जब शिवाजी महाराज का समय था सर तो इस समय के दौरान शिवाजी महाराज ने एम्पायर बिल्डिंग की तो बात नहीं थी पर ही स्टार्टेड कंसोलिडेशन ऑफ दी बाउंड्री सर है ना और शिवाजी महाराज ने क्या किए थे फोर्ट्स बनाए थे बहुत सारे दुर्ग बना दिए थे सर ठीक है और गुरीला वॉरफेयर करते हुए उन्होंने मराठास को यहाँ पे मुग़लों के सामने तैयार करने के लिए एक टेक्निक बनाई थी सर ठीक है इनफैक्ट शिवाजी महाराज ही थे जिन्होंने मराठास को पावरफुल किया उन्होंने बेसिकली एक सिस्टम बनाई थी जिसका नाम था अष्ट प्रधान सिस्टम ये अष्ट प्रधान सिस्टम के अंतर्गत आठ मंत्रियों को यहाँ पे अपॉइंट किया गया और सबको मिलिट्री स्किल्स के साथ अपॉइंट किया जाता था तो शिवाय के पंडित पंडित का मतलब है कि जो उनका प्रीस्ट हुआ करता था उसके सिवा बाकी सब लोग फाइट कर सकते थे इनफैक्ट ये छत्रपति महाराज ही थे जिनके समय पर यू विल फाइंड कि रेवेन्यू रिफॉर्म्स होते हैं और चौथ और सरदेशमुखी को अलॉट किया जाता है और कहा जाता है कि भाई मराठास अपने एरियाज में से जहाँ पे वो कंट्रोल कर रहे हैं वहाँ से चौथ लेंगे चौथ विल बी अराउंड वन फोर्थ ऑफ द रेवेन्यू जो आपकी टोटल प्रोडक्शन हो रही है और सरदेश मुखी विल बी एक्स्ट्रा टेन परसेंट ऑन द चौथ इन द एरियाज दैट आर क्लेम्ड हेरीडेटरी सर ठीक है आप ऐसे कोई भी एरियाज जिसको हेरीडेटरी क्लेम कर रहे हैं जहाँ वंश परंपरागत आपका शासन रहा है वो सब चीज़ें इनफेक्ट है ना छत्रपति महाराज ने कहा कि भाई हम आपके इन रीजन से लेंगे सर ठीक है तो ये पूरी की पूरी आप कहानी के रूप में आप समझिए सर सेवनटीन सेंचुरी में इस समय के दौरान इनके एडमिनिस्ट्रेशन में पेशवा भी हुआ करता था पर पेशवा का प्रोमिनेंस आपको नहीं दिखेगा सर ठीक है पेशवा का प्रोमिनेंस कब बढ़ता है एटीन सेंचुरी में सर अब कैसे बढ़ता है आप समझने की कोशिश करिए बिकॉज औरंगजेब जो था 1700 हंड्रेड ऑनवर्ड्स के बाद बहुत ही रूथलेस हो गया था और मराठास को ख़त्म करने की कोशिश कर रहा था और राजा राम जो थे राजा बहुत कमज़ोर हो चुके थे और राजाराम की जब मृत्यु हुई तो राजा राम का एडमिनिस्ट्रेशन पेशवा और राजा राम की एक वाइफ हुआ करती थी ताराबाई वो चलाते थे सर ठीक है और इसके बाद इनकी प्रोमिशन्स बहुत हो जाती है क्योंकि ये पेशवा सिस्टम जो थी बहुत ही प्रोमिनेंटली हो गई सर ठीक है ये पेशवा सिस्टम ही थी जिसने धीरे 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 मराठास को स्ट्रॉग किया सर ये पेशवा सिस्टम ही थी जो मराठास का एम्पायर बिल्डिंग का जो सपना है वो पूरा करेगी सर ठीक है तो होता यह है कि 1707 में 1707 के अंदर जब अगर आप समझने की कोशिश करिए कि एक ऐसे पेशवा उभर के आए जिनका नाम था बालाजी विश्वनाथ ये बालाजी विश्वनाथ ऐसे 1713 में बन के आए थे सर है ना तो यू विल फाइंड कि ये बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्होंने तात्कालिक रूप में मराठा साम्राज्य की एक नए सिरे से नींव रखी उन्होंने क्या किया कि उस टाइम पे मराठा राजा जो थे उनका नाम था छत्रपति शाहू महाराज ये शाहू महाराज को समझाया कि देखिए राजा आप सतारा के अंदर बैठिए मुझे पुणे के अंदर अधिकार दीजिए मैं मराठा संघ को और मराठा सरदारों को फिर से इकट्ठा करूंगा सर ठीक है अब मराठास के साथ प्रॉब्लम ये था कि मराठास बहुत सारे यूनाइटेड की जो पॉलिटी का जो कंसेप्ट है या उसके अंदर ज़्यादा वो नहीं कार्य करते थे सर ठीक है और मराठास की खासियत ये थी कि मराठास रेड बहुत किया करते थे देवर कंटिन्यूअसली रेडिंग एट वन प्लेस और अदर प्लेस सर ठीक है तो बालाजी विश्वनाथ के साथ ये हुआ कि मराठी बालाजी विश्वनाथ जो थे उन्होंने बेसिकली काफ़ी सारे रिफॉर्म्स करने की शुरुआत करवाई उन्होंने काफ़ी सारे कह सकते हैं कि कंसोल्टेशन किया इनफैक्ट छत्रपति शाहू महाराज जब पावर के ऊपर आए थे तो पावर के ऊपर आने के समय पे छत्रपति शाहू को अपनी ही फैमिली से रेजिस्टेंस हुआ था ये रेजिस्टेंस में ताराबाई एक बहुत बड़ी फैक्टर के रूप में हुआ करती थी बालाजी विश्वनाथ ने ताराबाई के सामने शाहू जी को मदद भी किया और बालाजी विश्वनाथ उसके बाद उनका विश्वास भी जीते हैं सर कि नहीं नहीं ये ये पेशवा के रूप में बहुत ही प्रोमिनंट और ये बहुत ही जेन्यून लीडर के रूप में उभर के आएंगे सर ठीक है तो होता ये है कि मराठास की जब हम लोग बात करें तो मराठास में पेशवाशिप एटीन सेंचुरी में प्रोमिनंट हुई यही पेशवा जो होंगे जो इवेंचुअली फाइट करेंगे इन द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत सर ठीक है यही पेशवा जो थे ये तीसरी पानीपत के अंदर फाइट करेंगे यही पेशवा की आगे की जो पीढ़ी थी वो फाइट करेगी सर ठीक है अब मैं आपको लेके जाना चाहूंगा कि होता क्या है सर ठीक है ना 1761 के अंदर जब थर्ड पानीपत हुई उस समय तक आते आते मराठास में पेशवास का क्या रोल था सर ठीक है तो यू सी सर है ना आप चीज़ों को देखिए सर है ना आप नक्शे के हिसाब से समझने की कोशिश करिए सर परिस्थिति ऐसी हो रही है कि मराठास बहुत ही प्रोमिनेंट हो रहे हैं क्योंकि यहाँ पे बैठे बैठे जो पेशवास थे ये पेशवास ने एक के एक के बाद एक के बाद एक जीत हासिल करने की शुरुआत की सर ठीक है दूसरी साइड के ऊपर दिल्ली में बैठे हुए मुगल्स हुआ करते थे पर ये मुगल्स कैसे हुआ करते थे लेटर मुगल्स हुआ करते थे ये लेटर मुगल्स के अंदर अभी मैंने आपको मोहम्मद शाह रंगीला के बारे में बताया वो राजा का नाम रंगीला इसके लिए था क्योंकि ये राजा बहुत रंगीन किस्म के थे सर ठीक है तो एक्चुअली ही डिड नॉट हैट द पॉलिटिकल एक्यूमेंट टू कंट्रोल द मुगल एम्पायर एंड ही वॉज नॉट वरीड अबाउट द फॉरन इन्वेजनस दैट व टेकिंग प्लेस ठीक है आपके ऊपर विदेशी आक्रमण हो गया आपकी गद्दी लेके गया दिल्ली के आजू बाजू में लूट फाट मचा गया आप कुछ नहीं उखाड़ पाए सर ठीक है तो ये पेशवा जो थे ना सर ये पेशवा बहुत प्रोमिनंट हो गए थे और हो ये रहा है कि एक साइड के ऊपर मुगल एम्पायर का डिक्लाइन होना दूसरी साइड के ऊपर आप देखोगे तो नॉर्थ वेस्ट इंडिया के अंदर से आप पकड़िए कि अफगान्स और अफगान के साथ साथ आप यहाँ पे देखोगे तो पर्शियंस ये सब के सब राह देख के बैठे थे कि दिल्ली के ऊपर फिर से कहीं गद्दी खाली हो तो हमको मौका मिलेगा तो हम वापस आ जाएंगे सर ठीक है प्रॉब्लम ये हो रहा था कि इस बार दिल्ली की गद्दी के ऊपर साउथ से भी कंटेनर निकल के आ गए थे सर ठीक है पहले क्या होता था हमने फर्स्ट पानीपत में सेकंड पानीपत में दोनों टाइम के अंदर ये समझने की कोशिश की है कि ये दोनों बार जब पानीपत हुई तो उसमें दिल्ली की गद्दी कमजोर होती थी तो ऊपर से कोई आ जाता था अब ऐसा हो रहा है कि दिल्ली की गद्दी कमजोर हो रही तो ऊपर से तो कोई आ रहा है नीचे से भी कोई आ रहा है सर है ना मराठाज आर कमिंग सर ठीक है अब मराठाज ने ऐसा तो क्या किया था सर ठीक है तो मराठाज में आप देखिए कि बालाजी विश्वनाथ एक ऐसे पेशवा थे जिन्होंने छत्रपति शाहू महाराज की मदद की थी टू फाइट अगेंस्ट ताराबाई क्योंकि ताराबाई उनको सत्ता नहीं दे रही थी और शाहू महाराज 1707 के बाद जेल से छूटे हुए थे ही हैट जस्ट बिन रिलीज फ्रॉम द जेल एट दैट टाइम तो इन परिस्थितियों में वी विल सी दैट बालाजी विश्वनाथ जो है वो इवेंचुअली कंसोलिडेट करते हैं मराठा एम्पायर को और सत्रह से लेके सतरह से लेके सत्रह तक रूल करेंगे सर ठीक है ये बालाजी विश्वनाथ ने इनफैक्ट uh, है न, अपने संतान को नॉमिनेट किया पेशवा के रूप में जिनका नाम था बाजीराव वन सर ठीक है अब देखिए कि बाजीराव वन इज नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ द मराठा एम्पायर 1720 से लेकर 1741 तक है ना बिटवीन द ईयर 1720 टू 1741 बाजीराव विल बी एक्सपांडिंग इन डिफरेंट डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द कंट्री सर है ना तो जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा था ना सर जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा था उनके मृत्यु के 40 साल के बाद होना शुरू हो गया था सर क्यों ऐसा हुआ था क्योंकि दिल्ली की गद्दी में उस समय के दौरान 1719 से 1748 के बीच में महोत्सार रंगीला थे ये रंगीला के समय पे अवध नाम का स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ ये रंगीला के समय पे बंगाल नाम का स्टेट इंडिपेंडेंट हुआ मालवा वाज अ प्लेस ऑफ कंटेंशन मराठास यहाँ पे पहुँच गए हैदराबाद इंडिपेंडेंट हो रहे हैं सब राज्य इंडिपेंडेंट हो रहे थे मराठास को ये बहुत अच्छा मौका दिखा कि भाई ये तो इट्स अ गुड अपॉर्चुनिटी वी शुड मेक अ मैक्सिमम आउट ऑफ इट एंड यू विल फाइंड कि ये जो मराठास जो है ये मराठास इवेंचुअली प्लान आउट करते हैं ये फेज आउट करते हैं कि कैसे अब चीज़ों को आगे लेके जाए ये मराठास अब इनफैक्ट डिसाइड करेंगे कि हाउ द एक्सपांशन शुड बी टेकन फॉर सर है ना तो इट वाज बाजीराव वन हु डिसाइडेड कि भाई मैं कैसे भी करके इनके सामने फाइट करूंगा सर ठीक है तो बाजीराव वन इवेंचुअली यू विल फाइंड की ही इज़ नोन एज द रियल फाउंडर ऑफ मराठा एम्पायर और रियल फाउंडर क्यों थे क्योंकि दिल्ली को छोड़ के ही वॉज एबल टू एक्सपांड इन मल्टीपल एरियाज आपने मूवी देखा होगा उनके ऊपर आया है सर है ना यू माइट हैव सीन द मूवी एज वेल कि बाजीराव वन तक आते आते हालात बदल गए थे जज्बात बदल गए अब मराठास छोटे मराठा नहीं थे छोटे एक विस्तार के अंदर कैप्चर करे हुए बैठे हुए सर ठीक है अब मराठा ने एक पूरा संघ बनाया था यू विल फाइंड अ कॉन्फेड्रसी वॉज मेड सर तो ग्वालियर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करोगे सिंधिया राजवंश के जो मराठाज थे उनको अपने अपने साथ ले लिया सर ठीक है पेशवा खुद अगर आप समझने की कोशिश करोगे पुणे के अंदर बैठा करते थे तो यू विल फाइंड कि पेशवा हिमसेल्फ टू सिट एट पुणे सर ठीक है हीयर ऑन द अदर केस जब आप मुझे देखे कोशिश करें कि बरोडा के अंदर आपको एक और मराठा सरदार दिखेंगे जिनका नाम था गायकवाड्स एंड द गायकवाड्स यूज टू स्टेट बरोडा और वो वहाँ से अपना शासन चला रहा है सर ठीक है तो ग्वालियर में है बरोडा के अंदर है यू वाइंड बिरार बीरार जो सेंट्रल इंडिया के अंदर है वहाँ पर आपको भोंसलेस दिख जाएंगे सर ठीक है बीरार एक ऐसा स्टेट हुआ करता था जहाँ पर एक टाइम के ऊपर वी डू कम टू नो दखनी स्टेट्स वॉर रूलिंग पर उसको अभी कैप्चर कर दिया मराठाज ने सर ठीक है पॉइंट वील ऑल्सो फाइंड द स्टेट ऑफ ग्वालियर बरोडा इन इंदौर यूल सी द होलकर वॉर रूलिंग सर है ना होलकर डायनेस्टी पावर के ऊपर आई थी तो इन सब परिस्थितियों में हमको एक चीज़ समझ में आ रही है वी आर कमिंग टू अ कंक्लूजन एंड वी आर कमिंग टू अ पॉइंट इज़ दैट की डिफरेंट डिफरेंट मराठा सरदार्स हैड स्टार्टेड कमिंग टुगेदर अलग अलग मराठा सरदार इकट्ठा होना शुरू हो गए हैं और वो इकट्ठे कौन कर रहे हैं पेशवा खुद कर रहे हैं पेशवा किसके अध्यक्षता में काम करते थे तो पेशवा ने कहा कि मैं यहाँ पे छत्रपति शाहू का इनफैक्ट सेवक हूँ क्योंकि छत्रपति शाहू जो थे वो अभी भी नॉमिनल रूलर हुआ करते थे जो सतारा के अंदर बैठते थे सर ठीक है तो एक मराठा संघ की स्थापना की गई थी ये मराठा संघ बहुत ही प्रोमिनेंट और बहुत ही पावरफुल अथॉरिटी के रूप में उभर के आया था जिसने अच्छे अच्छे भारत के स्थानिक रजवाड़ों के सामने फाइट किया था इस समय के दौरान राजस्थान के राजपूताना स्टेट्स के ऊपर भी मराठास क्लेम कर रहे हैं और मराठास का एक ही क्लेम हुआ करता था वो था चौथ सर है ना कि भाई देखिए आप हमको यहाँ पे चौथ दीजिए वन फोर्थ रेवेन्यू दीजिए आपके यहाँ पे जो भी प्रोडक्शन हो रहा है उसका सर ठीक है और एल्स वी विल ट्राई टू रेड योर प्लेसेस और हम लोग जब रेड करते हैं तो प्लंडरिंग भी होती है वॉर भी होती है लूटपाट भी होती है सर ठीक है ना फिर तो लड़ाई वड़ाई सब कुछ हो जाएगी सर ठीक है और ये मराठास ट्रेडिशनली मानते भी थे कि कुछ कुछ विस्तार इनके अंडर में आया करते थे क्योंकि समवेयर इन द हिस्टोरिकल पास्ट खास करके दक्कन और उसके आजू बाजू में मराठास का दबदबा एक समय के दौरान हुआ करता था सर ठीक है तो इन सब परिस्थितियों में जब हम लोग मराठा एम्पायर को देखते हैं वैन वी सी द मराठा एम्पायर वैन वी स्टडी द मराठा एम्पायर हमको एक चीज़ बहुत क्लियर कट समझ में आ रही है कि मराठा साम्राज्य बालजी राव वन के समय पर बहुत प्रोमिनंट हो चुका है एंड ड्यूरिंग दिस पीरियड वी विल ऑल्सो फाइंड हमको ये भी समझ में आ रहा है कि मराठा एम्पायर की प्रोमिनंस इनफैक्ट है ना बाजीराव वन वो जो जो थे वो बहुत ही आगे लेके गए सर ठीक है अब इन सब पीरियड में मुगल्स तो कुछ कर नहीं पाए सर बाजीराव वन जब पावर के ऊपर थे तब मुगल्स के ऊपर अटैक भी हुआ सर किसने उन्हें किया तो मैंने आपको बताया था कौन अटैक करता है यू विल फाइंड नादिर नादिरशाह विल अटैक सर है ना नादिरशाह कौन था नादिरशाह वॉज अ पर्शियन ओरिजिन किंग सेंट्रल एशिया ईरान ओरिजिन किंग था सर है ना और उसने आके पूरी तरह से मराठास को तहस मुगल्स को तहस नहस कर दिया सर ठीक है गेटिंग ओ पॉइंट तो आप देखिए कि नादिर शाह की कहानी क्या है सर है ना वॉट इज़ बिन द स्टोरी ऑफ नादिर शाह सर ठीक है तो आपको जस्ट एन सी आर टी के अंदर का एक पैराग्राफ दिखाता हूँ सर लेट मी एक्सप्लेन यू वट हैज़ बिन रिटन इन द ए एन सी आर टी विध रिस्पेक्ट टू नादिर शाह आपको आइडिया रहेगा सर ठीक है गेटिंग ऑन पॉइंट सो द डिवास्टेशन ऑफ डेली अगर आप देख रहे हो यहाँ पे लिखा है द डिवास्टेशन ऑफ डेली आफ्टर नादिर शाह इन्वेशन वॉज डिस्क्राइब बाई कंटेंप्रेरी ऑब्जर्वर्स नादिर शाह ने आके क्या किया है सर ठीक है यहाँ पे आप देख रहे होंगे जस्ट अ सेकंड और जूम कर देता हूँ सर ठीक है ना अब अब दिख रहा होगा आपको सर ठीक है यहां पे आपको दिख रहा होगा क्या लिखा गया है सिक्सटी लाख रुपीज एंड सम गोल्ड कॉइन नियरली वन करोड़ वर्थ ऑफ गोल्ड वेयर नियरली फिफ्टी करोड़ वर्थ ऑफ ज्वेल्स मोस्ट ऑफ देम दाइवल्ड इन द वर्ल्ड एंड द अबाउ इंक्लूडेड द पिकऑकथ्रॉन वॉज एक्चुअली लूटेड फ्रॉम द मुगल ट्रेजरी भारत के अंदर से नादिर शाह ने जब आक्रमण किया तो उसने तहस नहस कर दिया था दिल्ली के राजाओं को सर ठीक है

अब देखिए क्या कंडीशन है सर है ना कि सब भाग गए हैं सर है ना जो अमीर थे वो गरीब बन गए सर दोज सेट द स्टाइल्स इन द क्लोथ्स नाउ वेंट नेकेड एक समय के दौरान जो लोग फैशन का गुरूर किया करते थे कि भाई वी आर द ट्रेंड मेकर्स वी आर द सेट मेकर्स और हम डिसाइड करेंगे कि चीजें कैसे चलेगी आज ये नेकेड हो गए सर दोज ओन्ड प्रॉपर्टी वर नाउ होमलेस आप देखिए कि क्या परिस्थिति थी सर है ना द न्यू सिटी शाहजहाबाद वॉज टर्न इन टू रबल दिल्ली का पुराना नाम जो चांदनी चौक वाला एरिया है लाल किला वाला जो शाहजहां ने बनाया था सर जहां लेटर मुगल रूलते थे सर है ना नादिर शाह देन अटेंक द दे ओल्ड क्वार्टर ऑफ द सिटी एंड डिस्ट्रॉयड होल दे वर्ल्ड दैट एग्जिस्टेड देयर आप समझिए कि दिस इज अ पैराग्राफ जो नादिर शाह के आक्रमण के ऊपर एन में दिया गया है सर ठीक है द सेम पैराग्राफ इज बिन गिवन इन द ए मैं आपको यही बताने की कोशिश कर रहा हूँ कि आपको नादिर शाह के आक्रमण की तरफ आपको लेटर मुगल्स को देखना चाहिए सर एक साइड के ऊपर लेटर मुगल्स कमजोर हो रहे हैं ये नादिर शाह ने आक्रमण किया उसने लूटफाट की और बेसिकली दिल्ली की गद्दी को हिला के गया मतलब वो है ना क्यों हिला डाला ना वैसी कंडीशन थी सर ठीक है ना यू माइट हैव सीन दैट एक मीम बहुत फेमस है क्यों हिला डाला ना फोन करके होता है सर ठीक है तो नादिर शाह जिस तरह से आक्रमण कर रहा है द वे नादिर शाह हैज अटैकिंग इन द वे ही इज ट्राइंग टू एक्सपांड इट आउट सर ठीक है वो सब चीजें दर्शा रही है कि नादिर शाह सूनर सूनर और और लेटर सर और लेटर भारत में अपना घर बनाने की कोशिश कर रहा है ही इज ट्राइंग टू कंसोलिडेट आउट सर है ना अगर आप समझने की कोशिश करिए नादिर शाह अपने आप को इस तरह से एस्टाब्लिश करने की कोशिश कर रहा है कि जहाँ पे नादिर शाह इनफैक्ट है ना मुगल साम्राज्य को तोड़ गया है सर ठीक है अब नादिर शाह अकेला नहीं आया था सर ठीक है जब रंगीला रूल कर रहा था और नादिर शाह ने अटैक किया तो उसके साथ काफ़ी सारे अफगान्स भी हुआ करते थे उसकी सेना के अंदर ये नादिर शाह के अटैक के दौरान आपको अहमद शाह अब्दली भी दिख जाएगा सर ठीक है ना कैडिमा पॉइंट सो ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली अहमद शाह अब्दली वॉज ऑल्सो रूलिंग एंड ही वॉज अ स्मॉल अफगान पठान और अफगान सरदार हु वॉज वर्किंग विथ नादिर शाहर ठीक है एक साइड के ऊपर मराठास देख रहे हैं कि भाई दिल्ली की गद्दी में लूट हो गई है ऊपर से किसी ने अटैक किए हैं लूटफाट करके चले गए हैं मराठास को मौका मिला बाजीराव वन के मृत्यु के बाद तात्कालिक रूप में उन्हें संतान पावर के ऊपर आए क्या नाम था उनका उनका नाम था बालाजी बाजीराव सर ठीक है है ना सो आफ्टर बाजीराव वन यू विल फाइंड हिज सन केम टू पावर क्या नाम था बालाजी बालाजी बाजीराव सर ठीक है ना ये बालाजी बाजीराव या इन्हीं को ही हम लोग क्या कहते हैं नाना साहेब सर ये जो नाना साहेब थे इन्होंने विदेशी आक्रमण का फायदा उठाया ही टुक advantage ऑफ द मुगल्स गेटिंग वीक उनको अब एक चीज समझ में आ गई थी कि मुगल्स जितने कमजोर होंगे उतनी ही मराठास के लिए एक बहुत ही प्राइम इनफैक्ट कह सकते हैं कि आ, एक अपॉर्चुनिटी है सर गेटिंग ऑ पॉइंट तो होता यह है कि बाय द टाइम ऑफ नाना साहेब नाना साहेब ने आके धीरे 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 करके पावर को कंसोलिडेट कर दिया सर ठीक है और कैसा कंसोलिडेट किया आप समझने की कोशिश करिए आप समझिए सर है ना नाना साहेब क्या कर रहे हैं सर है ना नाना साहेब इज़ एक्चुअली ट्राइंग टू टेक ओवर द मराठा एम्पायर फ्रॉम साउथ टू सेंट्रल एंड अप टिल नॉर्थ एंड इवन बियॉन्ड नॉर्थ सर ठीक है अब होता क्या है देखिए 1740 से लेके 1761 तक का टाइम फ्रेम अब थोड़ा बहुत डिस्कस करते हैं अस डिस्कस द टाइम फ्रेम ऑफ 1760 टू 1761 एंड द इवेंट्स प्रीसीडिंग द इवेंट्स प्रीसीडिंग द बैटल ऑफ पानीपत सर ठीक है ना कि पानीपत की जो थर्ड बैटल होती है उसके आगे पीछे की घटनाओं को अब देखते हैं सर ठीक है क्या हो रहा है सर ठीक है अब देखिए कि सेवनटीन में दो घटना बहुत प्रोमिनेंट हुई पहली प्रोमिनेंट घटना यह होती है कि इन द कंटेम्प्रेरी ईयर वी डू कम टू नो दैट नादिर इज इन्वेजन टू प्लेस और नादिर शाह अकेला नहीं आया था उसके साथ ऑलरेडी अफगान आए हुए थे और ये अफ़गान में आब्दली करके जो अफगान लीडर था वो भी था सर ये वही आब्दली है जो एग्जैक्टली exactly थोड़े टाइम के बाद भारत में फिर अटैक करेगा सर ठीक है गेटिंग गेडिंग पॉइंट ओके दूसरी साइड के ऊपर अगर आप समझिए कि इस पीरियड के अंदर मराठास अपने पावर के ऊपर है और मराठास में बाजीराव वन और बाजीराव वन के बाद उनके ही संतान नाना साहेब पावर के ऊपर आ चुके हैं सर ये वही नाना साहेब है जिनका दूसरा नाम बालाजी बाजीराव भी है सर ठीक है ना तो दादा का नाम और फादर का नाम इकट्ठा किया हुआ है सर ठीक है पर हम नाना साहेब के रूप में ज़्यादा पहचानते हैं क्योंकि ये पेशवा थे नाना साहेब जब पेशवा बने तब वो देख रहे कि दिल्ली की गद्दी तहस नहस पड़ी हुई सर क्यों क्योंकि यहाँ पे जो राजा थे रंगीला उनका रंग निकल दिया गया है सर ठीक है उनको ब्लैक एंड व्हाइट करवा दिया गया है या अफगानों ने और सेंट्रल एशिया के शासकों के द्वारा सर ठीक है नादिरशाह ने आक्रमण किया था और उसके साथ सिरा में और भी अफगान थे उन्होंने तहस नहस कर दिया है सर ठीक है तो इन परिस्थिति में दिल्ली की गद्दी बहुत कमज़ोर है मुगल्स बहुत ही कमज़ोर है सर मुगल्स की अथॉरिटी थी नहीं नाना साहब कहते हैं कि दिस इज द ग्रेट अपॉर्चुनिटी फॉर मी ये मेरे लिए सबसे बढ़िया अपॉर्चुनिटी है सर ठीक है क्योंकि मुगल्स कमज़ोर होना वो तो मराठास के लिए बहुत अच्छी अच्छी मौका होगा ना सर ठीक है अच्छा मौका क्यों होगा सर क्योंकि मुगल्स तो इनफैक्ट है ना कंटिन्यूसली इनके सामने फ़ाइट किया करते थे मुगल्स वर कंटिन्यूसली इन द प्रोसेस ऑफ़ फाइटिंग एंड हियर वी विल फाइंड कि मुगल्स कमज़ोर होना तो बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी रहेगा सर ठीक है तो एक साइड के ऊपर नाना साहब का ग्रोथ पीरियड रहा सर है ना तो 1740 से लेके 1761 तक का जो पीरियड है दिस इज द पीरियड ऑफ एक्सपांशन ऑफ द मराठा एम्पायर अंडर नाना साहेब सर ठीक है ये कितना बड़ा एम्पायर एक्सपांशन था आप सोच के दंग रह जाओगे कि नाना साहेब ने क्या किया था सर जो सपना छत्रपति शिवाजी महाराज ने सोचा था वो सपना नाना साहेब पूरा करते हैं सर ठीक है नाना साहेब भी थे जो इतने पावरफुल और इतने प्रोमिनेंट हुए थे कि उन्होंने मराठा संघ को सबसे डोमिनेटिंग अथॉरिटी के रूप में बनाया एक ऐसा समय आया वो बंगाल तक पहुंच गए और बंगाल के ऊपर अटैक कर दिया सर ये अटैक्ड बंगाल बंगाल के उस टाइम पे शासक थे अलवर्दी खान अलवर्दी खान अगर आपको पता होगा तो सिराज उद्दौला के दादा हुआ करते थे सर ठीक है वही सिराज उद्दौला जो बेसिकली लेटर ऑन प्लासी करवाएगा सर सेवनटीन के अंदर सर डेडिंग पॉइंट तो होता यह है कि मराठा इतने पावरफुल उन्होंने बंगाल के ऊपर अटैक किया सर मराठाज इतने पावरफुल हो गए कि वो अवध के ऊपर अटैक कर रहे हैं मराठाज इतने पावरफुल हो गए कि उन्होंने दिल्ली के आजू बाजू वाले विस्तारों के ऊपर भी अपना प्रभुत्व डाल दिया कहा कि हम आएंगे सर हम आएंगे हम राजस्थान जाएंगे हम सेंट्रल इंडिया जाएंगे हम मालवा जाएंगे सर हम जाट लैंड दिल्ली के आजू बाजू वाले एरियाज में ज़रूर पड़ी तो हम पंजाब तक भी एक्सपानशन कर देंगे सर ठीक है ये नाना साहेब थे उन्होंने दिल्ली के तात्कालिक मुग़ल बादशाहों को घुटने के ऊपर ला दिया था सर दिल्ली के राजा रंगीला की मृत्यु के बाद एक ऐसे पीरियड से गुजर रहे थे और इन 1752 अहमद शाह कम टू पावर क्या नाम था यू वॉज अ लेटर मुगल किंग अहमद शाह जब लेटर मुगल शासक के रूप में बैठा तो सही पर उसकी कुछ हिम्मत नहीं हो रही थी कि वो कुछ साम्राज्य विस्तरण करें अहमद शाह तो अभी जो पिछले समय के दौरान अहमद शाह अब्दली का और शाह का जो आक्रमण हुआ था उससे सदमे में था कि यार ये अब्दलियों आ जाएंगे और शाह आ जाएंगे तो फिर से हम लोग का हंगामा हो जाएगा इस सदमे में कारण अहमद शाह मराठास के साथ ट्रीटी करने के लिए मजबूर हुआ और मराठास की तरफ से अगर आप समझने की कोशिश करिए मुगल राजाओं को एक ट्रीटी भेजी जाती है जहाँ मुगलों को कहा गया कि यू अलाउ मराठास टू हैव कंट्रोल ऑफ द चौथ इन नॉर्थ इंडिया आगरा दिल्ली के आजू बाजू वाले सटे विस्तारों में मराठास को चौथ कलेक्ट करने की अधिकार दो वरना बी रेडी फॉर अवर प्लंडरिंग एक्सपीडिशन मराठास इतने पावरफुल हो चुके थे नाना साहब के समय के दौरान कि मराठास दिल्ली के आजू बाजू वाले विस्तारों में अब चौथ कलेक्ट कर रहे हैं और उनकी अथॉरिटी जो थी दिल्ली के बाजू में जो स्थानिक राजा हुआ करते थे वो स्थानिक राजाओं के ऊपर भी लगनी शुरू हो गई थी वो चाहे राजस्थान के राजपूत शासक हो वो चाहे दिल्ली में नीचे सटे हुए या बाजू में सटे हुए जाट किंगडम हो वो चाहे आप देखोगे अवध और बंगाल वाला प्रदेश हो वहां तक भी मराठास का दबदबा बन गया था सर मराठास नीचे हैदराबाद वाले सूबे तक पहुंच गए थे और हैदराबाद के निजाम को भी कहा गया था कि देखिए निजाम साहब हम आएंगे इससे पहले चौथ दिलवा दीजिए ये जगह के ऊपर से सर तो निज़ाम ने भी बहुत सारी टेरिटरीज मराठास के नाम लिख के दे दी सर ये दबदबा था मराठास का अब मराठास जितने पावरफुल हो रहे थे ये मराठास दिल्ली के ऊपर जाएंगे तो क्या अफगानस के कांटेक्ट में आएंगे कि नहीं आएंगे सर अफगानस और सेंट्रल एशिया के शासक दिल्ली की गद्दी को राह देख रहे के बैठे हुए थे नादिर शाह जो ईरान का शासक था उसकी सेना के अंदर अहमद शाह अब्दली जैसे अफ़गान लीडर्स बैठे हुए थे ये सबके सब लोग वेट कर रहे थे कि दिल्ली की गद्दी कमजोर हो दिल्ली की गद्दी कमजोर हो और वो दिल्ली में फिर से अटैक करें और यहां पे ये लोग देख रहे हैं कि उनकी जगह मराठा आ चुके हैं अफगानियों को ये लग रहा था सेंट्रल एशिया के शासकों को ये लग रहा था कि दिल्ली की कमजोर गद्दी कमजोर होती है तो कोई विदेशी आक्रमणकारी आके दिल्ली में स्थायी होता है अब परिस्थिति ऐसे हो रही है कि मुगल्स मराठास के पास जाके बैठते हैं और दिल्ली का राजा मुगल बादशाह अहमद शाह अहमद शाह एक मुगल राजा था अहमद शाह अब्द अफगान अलग था ये अहमद शाह मुगल राजा था वो ये कहने के लिए तैयार हो गया मराठास के साथ कि जहां पना यहां से रेवेन्यू लेना है तो ले लो भविष्य में विदेशी आक्रमण हो तो हमारे बाजू में खड़े रहिएगा यहां से रेवेन्यू लेना है तो ले लो बट यू गिव अस प्रोटेक्शन फ्रॉम द दिन इन्वेजन वी डू नॉट वॉन्ट टू लिव वंस अगेन द हॉरर्स ऑफ वॉट एड है कंटिन्यूसली दिल्ली के ऊपर विदेशी आक्रमण हो रहे हैं सर दिल्ली पंजाब वाले विस्तार के ऊपर प्रभुत्व और उस विस्तार के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि काफ़ी सारा डेवलपमेंट हो चुका है एंड यू विल फाइंड कि इधर नाना साहेब है ये नाना साहेब कह रहे हैं कि मैं दिल्ली के बाहर जाऊंगा मैं पंजाब वाले विस्तार में पहुंच जाऊंगा आई विल मेक श्योर और देखता हूँ कि कैसे यहाँ पर ये यह अफगान और सेंट्रल एशिया के शासक हमारे यहाँ दिल्ली में घुस पाते हैं सर तो मराठास का एम्पायर एक्सपांशन होते 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 दिल्ली के ऊपर हो गया है 1752 में नॉर्थ इंडिया एंड दे हैड एक्चुअली सिक्योर्ड द रेवेन्यू फ्रॉम द चौथ मराठास बेसिकली 1750 के दशक के बाद आप समझने की कोशिश करिए उत्तर भारत में पहुंच गए हैं एंड देन यू विल फाइंड कि इन्होंने चौथ को सिक्योर करना शुरू कर दिया है एंड द मोर चौथ इज सिक्योर्ड बाय द मराठास जितना चौथ वहां पे सिक्योर होगा क्या वहां के स्थानिक राजाओं को यह पसंद आएगा डू यू थिंक दैट द मोर एंड मोर कलेक्शन ऑफ चौथ बाय द विल बी दराठाइकंड एंड विल बी वेलकम्ड बाय द लोकल रूलर्स द लोकल रूलर्स द राजपूताना स्टेट द जाट स्टेट और रीजनल किंगडम्स इंक्लूडिंग सम ऑफ द हाउस इफ द मुगल सोसाइटी वर नॉट हैप्पी विद द मराठाज डोमिनेटिंग द रीजन ऑफ डेली यार ये कैसे हो गया ये कैसे हो गया आप मराठास एक टाइम के ऊपर शिवाजी महाराज के लिए मुगलों ने एक शब्द यूज किया था कि इज नथिंग मोर देन माउंटेन रेट दिस इज द वर्ड एग्जैक्टली यूज बाय औरंगजेब एंड दिस हैज़ बिन कोटेड बाय सर जादूनाथ सरकार इन इज बुक सर जादूनाथ सरकार ने औरंगजेब के ऊपर किताब लिखी है जहां उन्होंने मराठास के ऊपर uh, औरंगजेब के कोट को हाईलाइट किया है औरंगजेब मराठास को इतना पावर मानता ही नहीं था जो औरंगजेब आज से 60 इयर्स के पहले मराठास को या 100 इयर्स के पहले मराठास को इतना प्रोमिनेंट नहीं मानता था 1670 1660 के दशक में वही मराठाज आज दिल्ली के ऊपर बैठे हैं और मुगल बादशाह को कोरा पेश दे रहे हैं और कह रहे हैं कि राजा सरवाइव करना है तो यहां साइन करो वरना फिर हंगामा हो जाएगा हम आके रेड कर देंगे चौथ तो दूर की बात है ऐसा आक्रमण होगा कि कहीं पर नहीं बचोगे सर इन परिस्थिति में नाना साहब सबसे पीक के ऊपर पहुंच गए थे नाना साहेब हैड एक्चुअली टेकन द आइडिया ऑफ द मराठा एम्पायर एंड द आइडिया ऑफ द हिंदी विश्वराज एट द पीक सर केडिंग पॉइंट नाना साहेब ने इस पीरियड के समय पर एक ऐसी कंडीशन क्रिएट की थी वेर ही हैड टेकन द मराठा एम्पायर एट दाइएस्ट फॉर्म सबसे हाइस्ट फॉर्म पर लेके चले गए हैं सर और इस कंडीशन में मराठा जितने दिल्ली के ऊपर जाएंगे उतनी ही दिल्ली के ऊपर वाले शासकों को डर लगेगा क्योंकि मराठास थे डर का माहौल तो था ही सर मराठास थे और मराठास के डर का माहौल तो था ही सर तो होता यह है कि नाना साहेब के पीरियड तक आते आते बाय 1761 यू विल फाइंड मराठास हैड ऑलरेडी एक्सपांडेड मराठास हैड ऑलरेडी एक्सपांडेड देयर एम्पायर एंड देयर एम्पायर एक्चुअली स्ट्रेच्ड फ्रॉम दखन दखन से दिल्ली और दिल्ली से पंजाब प्रॉब्लम हो रहा है कि मराठास जितने ग्रो कर रहे हैं मराठास जितने ग्रो कर रहे हैं पंजाब पंजाब से नॉर्थ वेस्ट की तरफ जाओगे तो उगर अफगान एम्पायर था और अफगान एम्पायर में तात्कालिक रूप से इनका एक राजा अहमद शाह जो आप दली समुदाय से बिलोंग करता था जिसको दुर्रानी भी कहते थे दर दुर्रान मोतियों में से मोती सबसे बड़ा मोती अफगान सरदारों ने इसको टाइटल दिया था बोलिए, दुर्रानी है हमारा तो आप दली ट्राइब एंड दुरानी टाइटल से बिलोंग करने वाला शासक वो बैठे बैठे देख रहा है कि यार मराठा इतने पावरफुल होंगे तो ये तो बहुत नुकसानकारक है हमारे लिए मराठास जितने पावरफुल होंगे ये तो बहुत नुकसानकारक है अफगान एम्पायर के लिए तो दो साम्राज्यों के बीच में ये टसल तो होनी ही थी समझ में आ रहा है आपको दो साम्राज्यों के बीच में टसल तो होनी थी तो तीसरे पानीपत को अगर आपको पढ़ना है तो आपको पूरा इतिहास देखना पड़ेगा थर्ड पानीपत का व्याख्या यहां से शुरू हुआ है द होल डिस्कशन ऑन द थर्ड पानीपत हैज एक्चुअली जस्ट स्टार्टेड फ्रॉम दिस पॉइंट ओनली सर गेटिंग मॉ पॉइंट यू विल फाइंड कि ये जो थर्ड पानीपत की जो कहानी है वो यहाँ से शुरू हो रही है और ये जो थर्ड पानीपत की जो कहानी है वो यहाँ से ही बढ़ती 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 अब आगे चलेगी और इट विल लीड टू तो अ बैटल जहाँ पे मराठा से फिर डिफिट हो जाएंगे और फिर उसका आउटकम भी हम लोग देखेंगे सर गेडिंग तो तीसरे पानीपत के पीछे का कारण क्या था कॉन्फ्लिक्ट ऑफ एम्पायर्स समझ में आ रहा है आपको आप देखिए यहाँ पर एक शब्द डाला गया है रीजन्स दिख रहा है आपको और यहाँ पर डाला गया है अहमद शाह और मराठास की कहानी सर ठीक है तो हम लोग जब तीसरे पानीपत की कहानी को समझते हैं तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि द फंडामेंटल रीज़न बिहाइंड द थर्ड पानीपत इज द कॉन्फ्लिक्ट ऑफ द एम्पायर्स एंड द फंडामेंटल रीज़न इज की द मराठास विद द एक्सपांशन रियलाइज की दे आर गोइंग बियॉन्ड डेली एंड दे आर गोइंग बियॉन्ड पंजाब एंड द मोमेंट यू गो बियॉन्ड पंजाब द अफगान एम्पायर वज ऑलरेडी वेटिंग फॉर दैम अब क्यों ऐसा था तो अहमद शाह अब्दली का पास तो देख लीजिए इसका हिस्ट्री तो देख लीजिए थोड़ा बहुत अब ये है ना एक छोटा सरदार था ये वॉज जस्ट अ स्मॉल सरदार छोटा सरदार का मतलब है स्मॉल चीफ ऑफ द आब्दली ट्राइब एंड ही हैड ए कम्पनीड नादिर शाह जब नादिर शाह ने 1739 में 1740 में भारत के ऊपर आक्रमण किया सत्रह सौ में और नादिरशाह का जो आक्रमण था उसमें ये भाई साहब एक सोल्जर के रूप में एक सेनापति के रूप में उसके साथ कार्यरत थे और उसके साथ ही जुड़े हुए थे नादिरशा वो द बिगर किंग एट दैट टाइम सेंट्रल एशिया का राजा था वो ईरान से लेकर सेंट्रल एशिया में उसका दबदबा था आब्दली ने उससे बहुत सारी चीजें सीखी ही हैड लर्न सो मैनी थिंग फ्रॉम नादिर शाह कि अच्छा ये करना है ऐसे करना है सिस्टम को ऐसे चलाना है सर ठीक है ना पद्धति ऐसी होनी चाहिए सर है ना एवरीथिंग थिंग वॉज लर्नड बाय आब्दली आब्दली वो तो ऑब्बियस था कि युद्ध में सीख रहा था सब कुछ चीजें जैसे जैसे समय आगे गया एज एन मैन टाइम प्रोग्रेसट वी विल रियलाइज कि आब्दली का जो खेल है वो अब बदल जाता है नादिशा की मृत्यु होती है और दादिशा की जब मृत्यु हुई तो दे वॉज अज पावर वैक्यूम और अफग़ानिस्तान के अंदर जो छोटे छोटे कबीले हुआ करते थे वो कहते हैं कि वी नीड टू हैव अव लीडर हमारे पास एक नया लीडर होना चाहिए हम पहले तो नादिशा के साथ काम करते थे बट अभी हमारे पास कोई नहीं है हमारा कोई अपना नहीं है वी डू नॉट है तो बहुत सारे अफगानी कबीले हुआ करते थे उनका शुरा हुआ करता था सर आज की तारीख में भी है ना सर शुरा काउंसिल तो बहुत सारे कबीले हुआ करते थे तो जितने भी शुरा हुआ करते थे द काउंसिल्स उन्होंने डिसाइड किया कि यह लड़का ठीक रहेगा अहमद शाह ही बिलोंग्स टू ट्राइब पर यह मोतियों में से भी बड़ा मोती है दर दुर्रा दर दुर्रा से उसका टाइटल मिला दुर्रानी तो आप देखोगे उसके एम्पायर को दुर्रानी एम्पायर कहा गया है कभी इतिहास में देखोगे इसका इतिहास तो यू विल फाइंड कि इसको दर दुर्रा कहते थे दर दुर्रा और द दुरानी ट्राइब और द दुरानी एम्पायर तो ओरिजिनल नाम तो अहमद शाह आब्दली था ही बिलोंग टू अफगानिस्तान ही वॉज अटैच टू नादिर शाह इन द अर्लियर बैटल्स वेन आ शाह केम फॉम द प्लंडरिंग वो इस टाइम पर यहाँ पर ही था एंड वेन ही स्टार्टेड बिल्डिंग इज ओन एम्पायर ही रियलाइज की ही वॉन्ट्स टू एंटर डेली इनफैक्ट आफ्टर द नादिर शाह इन्वेजन ही ट्राई टू एंटर इंडिया टू थ्री फोर टाइम्स बट वो बड़ी बड़ी मात्रा में नहीं आ पाया था वेन एवर ही इज टू प्लान अ बिग एक्सपीडिशन ही रियलाइज सम और दी अदर सेटबैक इज देयर और मराठास तो 1752 और 1752 से लेकर 1761 तक आते आते, आते आप देखिए कि पंजाब वाले रीजन में पहुंच गए हैं तो पिक्चर बहुत क्लियर था कि मराठा एम्पायर और अफगान एम्पायर के बीच में संघर्ष होने वाला था क्यों क्योंकि मराठास अफगानियों के घर तक दस्तक दे चुके हैं पंजाब क्रॉस करके ऊपर जाएंगे बाबू तो अफ़गानिस्तान आ जाएगा समझे कि नहीं समझे द मूमेंट ही विल क्रॉस पंजाब इट विल गो टू अफग़ानिस्तान ओके खत्म अफग़ानियों को लगा कि मराठास हमारे घर में आए हम मराठास के घर में जाते हैं अब मराठास पंजाब में सक्रिय हुए थे उसका मतलब ये नहीं था कि इनका हंड्रेड परसेंट यहाँ पर कंट्रोल था और परिणाम ये हुआ कि 1760 61 तक आते आते कुछ ऐसी घटना बनती है सर जहाँ पे मराठा को ये समझ में आ गया कि अफगानियों को रोकना पड़ेगा अफग़ानी कैसे भी करके पंजाब से पेनिट्रेट होते हुए ये डिसाइड करते हैं कि अब हम लोग दिल्ली में फिर से आक्रमण करेंगे एक साइड के ऊपर अफगान्स की एंट्री होनी शुरू हो रही है दूसरी साइड के ऊपर मराठास जो दक्खन में बैठे हुए थे ताबड़ तोड़ अपनी सेना भेज रहे कि वही भेजो तीसरी अगर आप कहानी देखोगे तो दिल्ली के अंदर आक्रमण ना हो इसके लिए दुश्मन को कहाँ रोका जाएगा दिल्ली के एंट्री गेट के ऊपर दिल्ली गेट के ऊपर और मिडिवल इंडिया में दिल्ली गेट जो था वो एक मैदान हुआ करता था वो मैदान को क्या कहते थे वो मैदान को कहते थे पानीपत पानीपत और पानीपत सर समझे तो आप देखिए कि एक थीमेटिक पॉइंट ऑफ व्यू से ये तो थीम बताइए इसमें बहुत सारी कहानियाँ हैं आई एम नॉट गोइंग क्योंकि मुझे फिर पानीपत के बारे में डिस्कशन करना है क्या हुआ था उस दिन सर क्या हुआ था उस दिन सर ठीक है अहमद अच्छा अब प्लान करके आ रहा है यहाँ पे दखन में बैठे हुए मराठास को समझ में आया कि भाई साहब कुछ मजाक मजाक में रजाक हो गया है सर ठीक है वी नीड टू टेक इमीडिएट एक्शंस वी नीड टू टेक इमीडिएट एक्शंस एंड देन वी नीड टू स्टॉप दिस पीपल फ्रॉम दी एंटरिंग इन टू दिस रीजन सर है ना यहाँ पे आने से पहले उनको रोकना पड़ेगा सर ठीक है तो परिस्थिति ऐसी क्रिएट हुई थी द सिचुएशन वॉज क्रिएटेड इन सच अ वे दैट दी अफगानस व ट्राइंग टू एंटर द मराठास रियलाइज मुगल्स में अफरा तफरी मची हुई है कि भाई मराठास आ गए या क्या कहते हैं अफ़गान्स आ गए फिर से सर ठीक है तो इस समय के दौरान जो मैंने आपको मराठास के लीडर हुआ करते थे कौन हुआ करते थे सर ठीक है बालाजी बाजीराव कौन थे बालाजी बाजीराव इनको ही हम लोग पेशवा के रूप में पहचानते हैं और इनका ही दूसरा नाम था नाना साहेब इन्होंने डेप्यूट किया अपने तीन चार लोगों को सर ठीक है ना ये डेप्यूटेड मल्टीपल मराठा सरदार उसमें इन्होंने उनके खास कज़िन हुआ करते थे सदाशिव राव उनको पहले डेप्यूट किया कि आप जाइए और सब कुछ कंट्रोल करिए सर उनके संतान हुआ करते थे विश्वास राव उनको भी कहा कि आप भी जाइए बेटा यू ऑल्सो गो एंड यू फाइट है ना मैं पीछे आ रहा हूँ सब कुछ यू विल ऑल्सो फाइंड कि इस समय के दौरान रघुजी भोसले जो एक मराठा सरदार थे वो भी उस समय के दौरान सेंट्रल इंडिया में थे वो भी ताबड़तोड़ पार्टी लेके पहुंच रहे यू विल फाइंड कि अधर मराठा सरदार लाइक नाना फडनिस एक मराठा लीडर हुआ करते थे वो भी जा रहे हैं सर एंड यू विल ऑल्सो फाइंड कि ड्यूरिंग दिस पीरियड ओनली महर्जी सिंधिया जो सिंधिया घराने से बिलोंग करते थे वो भी बोला गया कि आप भी पहुंचे सर है ना तो मराठास की बड़ी ताम झाम लेके सेना इकट्ठे हो रही है उधर से दर्रानी आ रहा है दरदुर्रान दरदुरान का मतलब क्या है हमारा अब्दली आ रहा है सर ठीक है और यहाँ से अब्दली का आक्रमण भारत की तरफ शुरू होता है सर तो परिस्थिति ऐसी हुई कि एक साइड के ऊपर अगर आप समझने की कोशिश करोगे अफग़ान अहमद शाह अब्दली की अध्यक्षता में इकट्ठे हो रहे हैं और अहमद शाह अब्दली ने एक बड़ी सी सेना क्रिएट की अब्दली ने कहा कि वी नीड टू ब्रिंग मोर मैन बड़ी संख्या में लोगों को इकट्ठा खड़ा किया करीबन पैंतालीस हज़ार के आसपास 45,000 के आसपास उसने कैवलरी इकट्ठी कैवलरी का मतलब होता है घुड़सवार तीस हजार पैंतीस हज़ार के आसपास उसके पास इन्फेंट्री थी उसके पास फुट सोल्जर्स हुआ करते थे सर गडीमा पॉइंट यू विल सी दैट इस पीरियड के समय पे मराठास को पता चला कि ये अफगान्स आ रहे हैं तो अफ़गानस ने भी इनफैक्ट जो तैयारी की थी उसके रिएक्शन में मराठास भी भारत की तरफ आने की या भारत के अंदर इनफैक्ट है ना पूरी आर्मी को रीऑर्गेनाइज़ करेंगे सदासी राव हु वॉज दी ब्रदर ऑफ़ नाना फडनीस सॉरी दी नाना साहेब द पेशवा उनके कजिन ब्रदर हुआ करते थे इनकी लीडरशिप में डिसाइड किया गया कि मराठास भी अपनी सेना को भेजेंगे तो करीबन एक लाख के आसपास टोटल आर्मी थी ये टोटल आर्मी के अंदर मराठास के पास कुछ पचपन हज़ार के पास पास कैवलरी हुआ करती थी कुछ बीस हज़ार के आसपास इन्फेंट्री हुआ करती थी मराठास की आर्मी के अंदर एक नया फीचर आपको देखने को मिलता है वो है पिंडारीज वो पिंडारीज थे पिंडारीज वर मर्सनरीज जो मराठास के साथ अटैच हुआ करते थे और उनको भी भेजा गया कि आप भी जाइए और आप भी फाइट करिए बट एट एनी कॉस्ट मराठा एम्पायर को सेव कर करिएगा सर मराठास ने ये पूरी की पूरी इनफैक्ट आप समझने की कोशिश करिए प्लानिंग कर दी और ये लोग दिल्ली की तरफ पहुँच गए सर जनवरी का सेवनटीन का पीरियड है एंड जनवरी 1761 के पीरियड में ये लोग की सेना एक दूसरे के सामने टकराती है फिर वही दिन फिर वही रात फिर वही जगह खाली कैरेक्टर्स अलग अलग हुआ करते थे एक समय के दौरान यहाँ पे मुगलों के बीच में और अफ़गानों के बीच में लड़ाई हो रही थी अफ़गान्स भारत के स्थानिक राजा थे तब और मुग़ल्स बाहरी थे अब यहाँ पे अफ़गान और मराठों के बीच में लड़ाई हो रही है और अफ़ग़ान्स बाहर से आ रहे थे और मराठास यहां के स्थानिक इंटरनल किंग्स थे जो ट्राई कर रहे हैं कि भारत को कैसे भी करके सेफ किया जाए मराठास के पास एक बड़ी सेना थी सर दे हैड अ ह्यूज आर्मी ऑफ वन लैक सोल्जर्स इसके अंदर आप पकड़ने की कोशिश करिए पचास पचपन हजार के आसपास तो खाली कैवलरी हुआ करती थी कैवलरी का मतलब है कि द हैड मराठासड अड सवार डिस्पोजल्स यू विल फाइंड कि इनके पास करीबन पंद्रह से बीस हजार के आसपास इन्फेंट्री हुआ करती थी पैदल हुआ करता था दे हैड ए ह्यूज आर्मी ऑफ फिफ्टीन थाउजेंड टू ट्वेंटी के ऑफ द पिंडारी पिंडारीजर वेरी पावरफुल पीपल एंड देवर फाइटर्स एट एनी कॉस्ट इन सब परिस्थितियों में जब हम लोग आब्दली को देखते हैं तो आब्दली देख के हक्का पक्का रह गया क्योंकि मराठास ने अपने यहाँ पे आर्टिलरी का भी व्यवस्था करके रखा था क्योंकि मराठास को पता था कि इसके पहले पानीपत के अंदर जो दो लड़ाइं हुई उसमें आर्टिलरी का बहुत बड़ा योगदान है सर गेडिंग अ पॉइंट इन सब परिस्थितियों में आपदल डिसाइड करता है कि मुझे मराठास को हराना है तो मैं बंदूक के जोर के ऊपर और अपनी जो इनफैक्ट है ना मिलिट्री स्ट्रेंथ है उसके ऊपर नहीं कर पाऊंगा क्योंकि संख्या मराठास के पास बहुत स्ट्रांग है और मराठास एक्चुअली वॉरियर्स भी हुआ करते थे मराठास वेरी ब्रेव वॉरियर्स तो आते हैं तो फिर सटासटी बुल जाती थी सर आपदल डिसाइड करता है कि मराठास को कैसे भी रोका जाए सर अब मराठास के साथ प्रॉब्लम ये हुआ कि मराठास जब दिल्ली से ऊपर की तरफ चले पानीपत की तरफ तो मराठास अपना ताम झाम लेके चलते थे सब कुछ ये अकेले नहीं आते थे दे इज टू ब्रिंग अलॉन्ग विद्स द फैमिली एज वेल सर एट टाइम्स आपको देखने को मिलेगा ये काफ़ी सारे लोगों को साथ में लेके आते थे आब्दली इसके पहले इनफैक्ट है ना इन रीजन में पहुंच चुका है और आब्दली ने क्या किया कि मराठास जब आगे आ रहे हैं तो पानीपत से सटा हुआ दिल्ली का जो रास्ता है उसको कटआउट करवा दिया सर और इन परिस्थितियों में मराठास की जो सप्लाई लाइन थी सर वो सप्लाई लाइन को वो कटआउट करवा के मराठास को आगे लेके आ गया सर ये वॉर स्ट्रेटजीज का बहुत इंटीग्रल पार्ट होता है 1967 की बात है और 1967 में वियतनाम और चाइना के बीच में युद्ध हुआ था आप में से बहुत कम लोगों को पता होगा सर इस युद्ध के समय पे चाइना ने वियतनाम के ऊपर बहुत बड़ा भारी आक्रमण किया था और वियतनाम के लोग बौखला गए थे कि हम सर्वाइव करेंगे कि नहीं कर पाएंगे वियतनाम के तत्कालीन मिलिट्री जनरल्स ने उस समय के दौरान आदेश दिया कि चाइना की आर्मी को 15 किलोमीटर अंदर लाया जाएगा उनको बुलाया जाएगा आपको भी पता है कि एक बहुत बड़ा इन्फेक्शन है ना, एक फेमस स्लोगन है कि बुलाते हैं पर जाने का नहीं चाइना को ये लग रहा था कि वियतनाम ने हमारे लिए रास्ता खोला है ये फाइट ही नहीं कर पा रहे और वियतनाम के शासक ने चाइना को इन्वॉल्व करते 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 अंदर की तरफ ले के आए और अंदर उसके बाद पीछे का रास्ता कटआउट कर दिया अब कहा कि बेटा जाओगे कहाँ अब क्या करोगे वॉट विल यू डू आपको हमने बुलाया था आपने हमको आपने यहाँ पे अटैक करने का प्लान किया था तो ये हमारी स्ट्रेटजी है और ये स्ट्रेटजी क्या थी कि यू हैड इन्वाइटेड इन दिस रीजन एंड यू एक्चुअली एंटर्ड इनटू टू दिस रीजन नाउ विल मेक श्योर की विल ट्रबल यू और उसके बाद चाइना का पराजय हुआ कभी युद्ध के अंदर देखेगा मिलिट्री वॉर्स के अंदर हिस्ट्री के अंदर तो यू विल रियलाइज कि इस प्रकार की घटनाएं आपको बहुत बार दिखेगी इन द केस ऑफ आप दली एंड द केस ऑफ डेली विल फाइंड द सेम कंडीशंस हमको यहाँ पे सेम कंडीशंस देखने को मिलती है मराठास दिल्ली के ऊपर की तरफ जाने की कोशिश कर रहे हैं अहमद शाह आब्द ने मराठास को आगे बुला के उनका रास्ता आउट करवा दिया सर किडीम पॉइंट मराठास उसके बाद भी फाइट करते बिकॉज दे हैड एन अपर हैंड आब्द के पास लिमिटेड रिसोर्सेज थे आब्द डिड नॉट हैड द रिसोर्स एट द डिस्पोजल हुआ ये कि नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे कुछ कुछ मुस्लिम किंग्स थे जो आपदली को सपोर्ट करने के लिए तैयार हो गए थे खास करके अवध जैसे स्टेट्स के अंदर हमको पता चलता है कि आब्दली को लिमिटेड रिसोर्सेज थे और इन परिस्थिति में युद्ध हो रहा है मराठास का अपर हैंड था वैन द बैटल टू प्लेस द मराठास हैड द अपर हैंड सर पॉइंट बट यू विल फाइंड कि आब्दली ने जो कट आउट किया था सप्लाई रूट्स को ये सप्लाई रूट्स कटआउट होने के कारण मराठास को जो लॉजिस्टिक्स की आवश्यकता थी वो पूरी नहीं हो पा रही थी एक ऐसी परिस्थिति का सर्जन हुआ था कि मराठास की छावनी एक जगह के ऊपर है पर उसको पीछे से राशन पानी सब कुछ बंद हो गया था बड़े बड़े मिलिट्री जनरल्स और स्ट्रेटेजिस्ट का मानना है कि एन आर्मी मार्च इज ऑन द स्टमक कोई भी देश की या प्रदेश की सेना जो होती है वो स्टमक मतलब पेट के बल चलती है बाबू यहां इन परिस्थिति का सर्जन हुआ है सिचुएशन इज सच दैट कि मराठास के पास अनाज पानी राशन सब कुछ धीरे धीरे करके ख़त्म हो चुका है एवरीथिंग इज गेटिंग ओवर एंड द मराठास आर गोइंग इन टू अ कंडीशन वेयर दे आर फाइटिंग ऑन एन एमटी स्टमक आप खुले या आप देखोगे खाली पेट से कितना लड़ाई कर पाओगे बाबू क्या आपके पास उतनी क्षमता है कि आप खाली पेट से इतना बड़ा साम्राज्य को बचा पाओगे सर अब दलित चाहता था वही होता है सर और इन परिस्थिति में 1761 में लड़ाई चालू हुई सदाशिव राव जो मराठास के बहुत दिग्गज लीडर थे उनकी मृत्यु होती है विश्वास राव की मृत्यु हुई सर यू विल फाइंड एक ऐसी कंडीशन क्रिएट होती है जहाँ पे मराठा लीडरशिप पूरी तरह से डेसीमेट हो गई हजारों की संख्या के अंदर मराठा सैनिकों की मृत्यु होती है नॉर्थ इंडिया के बहुत सारे शासक इस लड़ाई को देखने के लिए उत्सुक थे और वो वेट कर रहे थे कि अब क्या होगा बट दे डिड नॉट इंटरफियर डायरेक्टली एक्सेप्ट द फ्यू किंग्स जैसे जाट किंग्स के अंदर आप सूरजमल जी देखोगे जो लेटर पीरियड में मराठास की हेल्प करने के लिए है बट बाय दैट द डैमेज हैज बिन डन एंड यू विल फाइंड कि ये लड़ाई जिस तरह से स्ट्रेटजिकली अहमद शाह शाहली ने लड़ी थी ये लड़ाई के द्वारा मराठास को पराजित किया गया इन स्पाइट ऑफ अ बिगर नंबर इंस्पाइट ऑफ अ गुड वी कैन से आर्मी एंड इन स्पाइट ऑफ हैविंग एन आर्टिलरी सेटअप जिसके थ्रू मराठास बोस्ट किया करते थे कि हम इनको धुआं धुआं कर देंगे एक ही चीज़ से डिफीट किया गया वो है शीयर कटआउट ऑफ द लोकेशन टू पानीपत सप्लाई लाइन से ही नहीं मिलेगी तो फाइट कहाँ से करोगे जो हथियार है जो गोला बारूद है जो खाना है राशन पानी है वह सब कुछ ख़त्म हो गया अहमद शाह अब्द ने मराठास को आइसोलेट कर दिया और जो गिने चुने मराठास थे उनको ऐसा डिफीट किया तो मराठास की बड़ी लीडरशिप एक साथ वाइप आउट हो गई नाना साहेब के संतान विश्वास राव का मृत्यु हुआ सर सदाशिव राव का मृत्यु हुआ सर महाजी सिंधिया अगर आप समझने की कोशिश करिए वहाँ से निकल तो जाते हैं यू विल फाइंड कि मल्हाउलाव होलकर जो होलकर साम्राज्य के शासक थे वो भी वहाँ से निकल जाते हैं बट क्या फर्क पड़ता है वॉट ना रियलिटी ये थी कि मराठास हार चुके हैं और मराठास हार चुके हैं तो इतनी बुरी हार आई है कि बाजीराव जिन्हें हम लोग नाना साहेब के रूप में पहचानते हैं उस समय के दौरान दिल्ली पहुंचने की तैयारी कर रहे थे और उनको ऐसा था कि मैं दिल्ली पहुंच के फिर से मराठास को रिवाइव करूंगा तो रास्ते में किसी ने उनको एक मैसेज दिया नाना साहेब एक संदेशा लेके आए हैं पानीपत की तरफ से नाना साहब बोलते हैं सांगा मतलब बोलिए हमको सर ना सांगीतला सांगा मराठी में शब्द है तो नाना साहब को सामने जवाब दिया उनके एक एडवाइजर ने और कहा कि दो मोती के दाने हमने घुमाए हैं सताईस सोने की मोहरे हमने घुमाई है और न जाने कितने चांदी के और पीतल के साधन और बर्तन हमने घुमाए हैं जिसकी संख्या हम कभी नहीं गिन पाएंगे नाना साहेब को एक साइन लैंग्वेज के अंदर बताया गया कि दो मोती के दाने आपके ब्रदर और आपके संतान सदाशिव राव वॉज इज कजिन ब्रदर एंड विश्वास राव वॉज द सन ऑफ नाना साहेब वी हैव लॉस्ट हिम सताई सोने की मोहरे मराठा लीडरशिप के टॉप क्लास जनरल्स ऑल वाइप्ड आउट और ना जाने कितने चांदी और पीतल के बर्तन मतलब मराठा सैनिक पैदल इन्फेंट्री कैवलरी एवरीथिंग वाइप्ड आउट नाना साहेब सदमा में है ये क्या हो गया वॉट हैपेंड No one could imagine a mighty Maratha Empire, who were at at the 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 verge of their like no political climax, defeating the Mughals, entering into Bengal, capturing the regions up to Punjab. got defeated at the outskirts of Delhi. अफगानिस्तान में जाके हार के आए तो समझ में भी आता था कि चलो अटैक किया होगा अफगानिस्तान में काबुल में जाके अगर मराठा सेना की पराजय होती है तो यह समझ में आता है कि चलो अटैक किया होगा अटैक करने के चक्कर में पराजय हुआ वापिस आ गए सर ये तो आपके घर के अंदर आके आपका पराजय हुआ है गेडिंग पॉइंट और इन परिस्थितियों में हमको ये पता चल रहा है कि मराठास जो थे ये मराठास हार जाते हैं दो प्रश्न यहां से निकलेंगे सर ठीक है पहला प्रश्न यहां से निकलेगा कि वाई मराठास लॉस्ट वाई मराठास लॉस्ट मराठास क्यों हार गए सर अलग अलग प्रकार की अलग अलग आप देखोगे तो कहानी आपको मिलेगी पर आज की तारीख में जब हिस्टोरिकल अंडरस्टैंडिंग के बेसिस के ऊपर से देखा जाता है तो मराठास के हार के बहुत सारे कारण हमको मिलेंगे सर इनके हार के कारणों में अगर आप हिस्टोरिकल बैकग्राउंड के हिसाब से देखिए सर तो हमको पता चलता है कि आब्दली की मिलिट्री स्ट्रेटजी के लिए हम उसको फुल मार्क्स देंगे क्यों फुल मार्क्स देंगे कि अहमद शाह आब्दली ने जिस तरह से दिल्ली से पानीपत का जो रास्ता जो रोड ब्लॉकेज किया था और ये रोड ब्लॉकेज होने के कारण मराठास को आइसोलेट किया था मराठा कैंप को ये आइसोलेशन आप पकड़ने की कोशिश करोगे मराठास को बहुत भारी पड़ जाएगा यू विल फाइंड कि मराठास एक ऐसे प्रोमिनेंट पावर हुआ करते थे जिनकी हार के कारण दिल्ली के मुग़ल साम्राज्य को तो नुकसान था ही क्योंकि उसकी सेफ गार्डिंग का प्रश्न क्रिएट हुआ था पर मराठास की एक सेल्फ रिस्पेक्ट एक डिग्निटी वो ख़त्म हो गई थी सर एक ऑथर लिखते हैं कि मराठास वर फाइटिंग विदाउट एनी फूड एंड वाटर द तो मराठास वर फाइटिंग ऑन एयर ये हवा खा के लड़ाई कर रहे थे सर अब आप देखिए मैंने आपको पहले कहा कि मराठास के हार के कारण बहुत सारे आपको देखेंगे सर यू विल फाइंड कि इनके पास सप्लाई लाइंस का एक प्रश्न क्रिएट हो गया था सर और ये जो सप्लाई लाइंस का प्रश्न हुआ था वहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि मराठास खाने पीने की चीज़ों की भी व्यवस्था नहीं कर पा रहे थे

तो यू विल फाइंड कि इनके लीडर्स के बीच में इंटरनल टसल आपको बहुत दिख जाएगा कि इसकी स्ट्रेटजी ऐसे चलनी चाहिए इसकी स्ट्रेटजी ऐसे चलनी चाहिए इसको ऐसे चलाना चाहिए सर गिमा पॉइंट इन द केस ऑफ़ द मराठास वी विल सी दैट मराठास के केस में ये हो रहा है कि इनके बीच में एक यूनिफाइड कमांड सिस्टम हमको नहीं मिलता है वैरस अहमद शाह आब्दली के बारे में आप देखोगे और इसकी लीडरशिप में देखोगे तो इसका एक्सपीरियंस तो देखिए ये भाई साहब भारत में ये पाँचवीं या छठी दफ़ा आया था ही हैड कम टू इंडिया यू विल फाइंड मल्टीपल टाइम्स सर गेटिंग यू विल सी कि अहमद शाह अब्दली ने जो रास्ता ब्लॉक किया था उससे कम्युनिकेशन ब्लॉकेज भी हो गया था एंड मराठास कुड नॉट रिले द मैसेज टू दी कैम्प एट डेली और डेकन के प्लीज़ हेल्प एंड सेव अस एंड हैव सम रेनफोर्समेंट ब्रिंग ऑन टू अस सो दैट वी कैन वंस अगेन फाइट सर यू विल फाइंड कि मराठास यहाँ पानीपत के अंदर कैनन्स लेके गए थे बट अब ये ज़माना कैनन्स का नहीं रहा था सर ये मॉडर्न टाइम था अफ़गानों के पास अब मस्केट्स आई हुई थी सर ऐसी बंदूक जिसको आप इजीली कैरी कर सकते हो और आराम से फायरिंग कर सकते हो ऐसा कहा जाता है कि अफ़गान्स के पास मस्केट्स थी द काइंड ऑफ गन्स वो आगे आपने देखा होगा चाकू होता है उसको लेके फाइट भी किया सकता है फायरिंग भी किया जा सकता और मराठाज अभी ट्रेडिशनल वॉरफेयर में कैनन्स का यूज़ कर रहे हैं सर कैनन्स वर रिक्वायर्ड इन द फर्स्ट एंड द सेकेंड पानीपत बट उसके अभी 200 साल निकल गए हैं आप देखिए कि समय कैसे बदलता है एक साइड के ऊपर कैनन्स आपको युद्ध जितवा रही थी अब परिस्थिति ऐसी आ गई है कि कैनन्स की जगह मस्केट्स का उपयोग करना शुरू हो गया है सर अफगानों के पास जो डिसिप्लिन था क्योंकि अफगान अपने सर्वाइवल के लिए फ़ाइट कर रहे थे और अफ़गानों के पास जो शक्ति थी वो मराठास के कंपैरिजन में आप पकड़िए कि इंस्पाइट ऑफ लेसर नंबर ज़्यादा थी दी अफगान्स नो डाउट हैविंग द लेस नंबर्स ऑफ सोल्जर्स बट दे हैड मोर पावर देन द मराठास क्यों ऐसा था क्योंकि अफगान्स के पास जिस तरह से डिसिप्लिन था ये डिसिप्लिन उनको बहुत एडवांटेज दिश रहा क्योंकि अफगान्स ने आप दली के इन्वेजन के ये मराठास में पानीपत की लड़ाई के पहले भी और बार इन्वेजन्स कर दिए थे एंड दे हैड ऑलरेडी सीन डाउन की वॉट कैन बी डन वेन इट कम्स टू इंडिया सर दे हैड ऑलरेडी एक्सपीरियंस कि कैसे फाइट करना है सर यू विल फाइंड कि दे वॉज लीडरशिप क्राइसिस देर वॉज लैक ऑफ डिसिप्लिन देर वॉज इंटरनल कॉलर्स बिटवीन द मराठा कैंप और मराठास के अंदर जब आप यूनाइटेड नहीं होते तो क्या होगा सर आपके लीडर बहुत पीछे थे बालाजी बाजीराव जिन्हें हम लोग नाना साहेब के रूप में पहचानते हैं ये नाना साहेब बहुत ही पीछे थे वो मदद कर ही नहीं पा रहे थे सर गढ़ी मकवान हमको ये पता चलता है कि इस पीरियड के समय पे मराठा एम्पायर के अंदर एक बहुत बड़ा पावर वैक्यूम क्रिएट हुआ था और युद्ध में लीडरशिप नहीं होती है तो अच्छे से अच्छे और बड़े से बड़े साम्राज्य ध्वस्त होते हुए आपको इतिहास में दिख जाएंगे बाबू वेन एवर देर इज लीडरशिप क्राइसिस इन द वॉर यू विल फाइंड कि इवन द बिगेस्ट ऑफ द एम्पायर डाउन हमने हिमू के बारे में देखा था इस बार यही हुआ सर ऊपर से आप देखिए कि उत्तर भारत के जो राजा थे नॉर्थ इंडियन स्टेट्स दे और नॉट हैप्पी विद द मराठा विनिंग द वॉर नॉर्थ इंडिया में दो प्रकार के राजा थे एक तो मुस्लिम स्टेट्स हुआ करते थे खास करके अवध जैसे राजा तो मराठास की अगेंस्ट में फाइट करने के लिए अफगान्स को मदद करने के लिए तैयार थे सर सो देर वर मेनी मुस्लिम पावर्स इन द नॉर्थ इंडियन पार्ट नॉर्दर्न पार्ट ऑफ द कंट्री दे हेल्प दी अहमद शाह दली टू डिफीट द मराठास और बाकी जो अदर पावर्स थे से फॉर एग्ज़ाम्पल राजपूत हुआ करते थे से फॉर एग्ज़ाम्पल द जाट हुआ करते थे छोटे मोटे सिख राज्य हुआ करते थे

उनको एक डर था ना कि मेरा दुश्मन शक्तिशाली होगा तो भविष्य में मेरे सामने अटैक होगा अभी तो किसी और के सामने फाइट कर रहा है होता है ना सर इतिहास में इस प्रकार की चीजें आपको बहुत दफा दिखेगी कि अगर मेरा दुश्मन शक्तिशाली होगा इफ माय एनिमी इज पावरफुल दिस विल लीड टू अ कंडीशन वेयर वी सी कि कल उठ के मुझे ही मारेगा ही विल एक्चुअली डिफीट मी currently he is fighting someone else. He is fighting a foreign guy. He is fighting a foreign empire and foreign king. But there is every possibility के this might be detrimental for me sir. किडियम अपॉइंट तो होता यह है कि मराठास की एक्सपांशन की पॉलिसीज तो उनके पीछे रिस्पॉन्सिबल थी ही डिक्लाइन और बाकी सारे cases में बट यहां पे आपको ये भी पॉइंट देखने की आवश्यकता है यू आर सपोज टू सी दिस पॉइंट एज वेल कि हाउ द मराठास वर नॉट हेल्प बाय द लोकल पीपल अब नॉर्थ इंडिया के जाट किंग्स को देख लीजिए नॉर्थ इंडिया के राजपूत किंग्स को देख लीजिए नॉर्थ इंडिया की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिख स्टेट्स को और बाकी सारे रीजनल स्टेट्स को देख लीजिए सबको एक ही डर था कि यार मराठा स्ट्रांग नहीं होने चाहिए एवरी वन हैड दिस वन फीलिंग दैट द मराठा शुड नॉट बी स्ट्रांग सर क्योंकि मराठा स्ट्रोंग होंगे तो भविष्य में उनका जो साम्राज्य है देयर ओन एम्पायर माइट गेट इन टू सम काइंड ऑफ सर्वाइवल और वी कैन से थ्रेट उनके खुद के लिए भी एक थ्रेट क्रिएट हो सकता है जाट एम्पायर जाट राजाओं ने मराठास की हेल्प करनी शुरू की युद्ध के अंत अंत में जैसे सूरजमल हुआ करते थे द जाट किंग ही डिसाइडेड टू हेल्प द मराठा सोल्जर्स बट बाय दैट द डैमेज हैज़ बिन डन था ही नहीं था तो मराठास के पास वेपन्स का अभाव वेपन्स मतलब मॉडर्न वेपन्स मराठास की मेथड ऑफ फाइटिंग जो थी वो भी थोड़ी अलग हुआ करती थी क्योंकि मराठास की जो मेथड थी वो गुरीला वॉरफेयर में बहुत काम में आई पर मराठास को जब खुले मैदान में फाइट करने का इनफैक्ट एक वो था ना कि एक जज्बा था वो कहीं ना कहीं अगर आप समझने की कोशिश करिए कि थोड़ा उनके लिए भारी पड़ रहा था और अफगानों को बेसिकली यहाँ पे जो अनुभव हुआ था इतने सालों में अहमद शाह अली तो पहले से भारत में आया था बीस साल पहले भी आया था तो विद इन दिस ट्वेंटी ईयर्स ही हैड एक्चुअली अंडरस्टूड द न्यू ऑफ हाउ टू डिफ़ीट दिस पीपल और इन परिस्थितियों में यू विल फाइंड कि थर्ड पानीपत बैटल में मराठास हार गए और मराठास हारने के बाद मराठास का गुरूर मराठास का जो प्राइड था वो टूटता है खैर 1772 तक आते आते मराठास फिर से दिल्ली में अपने आप को री करेंगे माधवराव करके एक पेशवा आए बट फिर मराठास का पहले जितना चाम नहीं रहा है और इसी का ही परिणाम था कि ईस्ट इंडिया कंपनी इनको फिर प्लान करके डिफीट करना शुरू करेगी ईस्ट इंडिया कंपनी ऑलरेडी भारत में आ चुकी है और मराठास के साथ तीन युद्ध करती है 1775 में फर्स्ट एंग्लो मराठा वॉर 1799 के अंदर जैसे 1802 में आप पकड़ने की कोशिश सेकेंड एंग्लो मराठा वॉर और 1817-1818 में थर्ड एंग्लो मराठा वॉर ये तीसरी मराठा वॉर के बाद मराठा संघ मतलब जो मराठा की अलग अलग जो शासन पद्धति थी, थी उसको अबोलिश करवा दिया गया पेशवाशिप कोबोलिश कर दिया गया और कहा गया कि आज के बाद हमको पेशवाशिप नहीं एक्सेप्ट करेंगे और बाकी सारे मराठा सरदार्स जिसे हम लोग किंग्स कहते हैं ये मराठा किंग्स को कहा गया कि आप अपने एरिया में रहिए वाइल्ड साइनिंग ए सब्सिडरी अलायंस विथ हस आप अपने एरिया में रहिए वाइल्ड साइनिंग ए सब्सिडरी अलायंस विथ हस आप हमारे साथ सहायकारी संधि करके रह सकते हैं बट रेस्ट शुड बी कंट्रोल बाय अस रेस्ट विल बी मैनेज अस बाकी सब चीज़ें हम ही करेंगे सर ठीक है तो इन परिस्थितियों में वी कम टू अ कंक्लूजन दैट मराठास केम टू एन एंड थर्ड पानीपत ने मराठास का साम्राज्य तोड़ दिया और भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी जो ऑलरेडी पहले से आई हुई है उसको एक बहुत फ़ायदा मिलता है एंड इवेंचुअली यूलसी कि कंपनी फिर मराठास को डिफ़ीट करेगी और मराठास का साम्राज्य है उसको ध्वस्त करेगी सर और फिर ईस्ट इंडिया कंपनी की कहानी है तो ये मोटे मोटे तौर के ऊपर हमने पानीपत की तीनों लड़ाइयों का एक आपको ब्रीफ देने की कोशिश की कि वॉट हैपनड इन पानीपत वॉट हैपन इन पानीपत शुड स्टे इन पानीपत वैसा भी नहीं है पर आपको कहानी समझ में आई होगी कि पानीपत का जो बेज है वो कैसे बन के आया और क्यों पानीपत में ही सब लड़ाइयाँ होती हैं ठीक है, है तो पानीपत में सब लड़ाइयाँ होती है उसका प्रश्न को आप सोचिए यू थिंक अबाउट दिस क्वेश्चन इसके ऊपर अलग से मैं ऐसा हो तो क्लास ले लूँगा आधा घंटा तो ये प्रश्न आपको पूछा गया था कि द थर्ड बैटल ऑफ पानीपत वॉज फॉर्ट इन सेवनटीन सिक्सटी वन वाई वर सो मैनी एम्पायर शेकिंग बैटल पानीपत दो हजार चौदह का ये प्रश्न है दिस हेज बिन द क्वेश्चन इन ट्वेंटी फोर्टीन हाँ तो आप देखिए कि पानीपत में कुछ कुछ लड़ाइयाँ हो रही है सम बैटल्स आर टेकिंग प्लेस इन पानीपत उसके पीछे बहुत सारे फैक्टर्स है दिस फैक्टर्स इंक्लूड द जियोग्राफिकल कंडीशंस दिस ऑल्सो इंक्लूड फ्रॉम द रूलर्स पॉइंट ऑफ व्यू कि शासक चाहता है तो पानीपत में लड़ाई होती है सर और मराठा का जो अखिल भारतीय साम्राज्य बनाने का सपना था वो पानीपत ने तोड़ दिया सर कैडिमा पॉइंट है ना तो मराठा का जो एम्पायर बनाने का सपना था कि भाई हम एक बड़ा सा साम्राज्य बनाएंगे मुगलों के बाद भारत में एक बड़ा सा है ना एक हिंद विश्वराज छत्रपति शिवाजी महाराज का जो थाट था वो भी टूट गया सर है ना तो तीन चार पॉइंट्स आपको पता होने चाहिए यू शुड नो एट लीस्ट थ्री फोर पॉइंट्स कि वॉट इज द रिलेवेंस ऑफ वाई सो मनी बैटल्स वर फॉट एट पानीपत और किन किन तरह से ये चीज़ें चल रही है सर ठीक है ना तो आपको आइडिया रहना चाहिए कि पानीपत एक स्ट्रेटेजिक लोकेशन थी और जो भी पार्टीज ऊपर से आती थी नॉर्थ वेस्ट से तो उनको दिल्ली के बाहर पानीपत में खुला मैदान मिलता था और दिल्ली में फिर गुरीला वॉरफेयर होता है नॉर्मल केस में ये होता है कि जब आप बाहरी इंसान हो वैन यू आर एन आउटसाइडर

यूरोप के अंदर जीत के आया है पर स्पेन के लोगों ने उसको नहीं स्वीकारा बोले तुम यहाँ पे हमको आज़ादी दिलाने आए हो या अपने कोई भाई को बिठाने आए हो राजा के रूप में तो स्पेनिश पीपल डिसाइडेड टू टेक दी आर्म्स उन्होंने बंदूक उठा दी हथियार उठा दी उस टाइम के बोले उठाओ भगाओ इनको और नेपोलियन की सेना नई नई थी दे वर ट्राइंग टू कंसोलिडेट इन स्पेन अब स्पेन में पुराने आर्किटेक्चर की छोटी छोटी गलिया गाना बजना शुरू हुआ ना गलिया तेरी गलिया सर है ना यूँ तड़पाए मुझको तेरी गलिया सर ठीक है नेपोलियन की सेना ने गाया था ये गाना सर कि स्पेनिश लोगों ने नेपोलियन की सेना को गलियों में खुंदेल खुंदेल के मारा नॉर्मल केसेस में ये चीज़ दर्शाती है कि आप जब ऐसी कोई अननोन टेरेन में जाते हैं तो ऐसी जगह पे मत जाओ जहाँ पे आपके दुश्मन को छुपने का मौका मिले अटैक करके छुप पाए या बेसिकली आप देखिए कि इधर उधर भाग के आपको परेशान करें पानीपत एक ऐसी जगह थी जहाँ पे हमको ये पता चल रहा है कि एक ओपन प्लेस था अगर हारेंगे भी तो भी भागने का मौका मिलेगा दूसरा लड़ाई करने में आपको पता है कि साइड बाइड से आने की शक्यता कम है कोई गली में से मार के निकल नहीं जाएगा सर है ना उसको आप कंसील कर सकते हो सब तरह से सर किडिंग पॉइंट? अगर आप पानीपत की जगह कोई और जगह से आते हैं आप राजस्थान के थ्रू भारत में एंटर करते हैं है ना वेस्टर्न फ्रंट के थ्रू या ऊपर कश्मीर के थ्रू आते हैं जम्मू वाले रीजन से तो वाज इट पॉसिबल फॉर द रूलर्स टू एंटर दिस रीजन नो क्योंकि बाकी सारे एरिया में फॉरेस्ट था स्नो था क्लाइमेटिक कंडीशंस फेवर में नहीं थी तो अल्टीमेटली द पानीपत वाज अ वेरी एडवांस प्लेस वेयर दी फॉरेनर्स वर क्वाइट कंफर्टेबल टू फाइट अपॉन सो आप पहली केस देखोगे ना तो इट वाज बाबर हु चूज दिस लोकेशन कि बोले इधर लड़ेंगे पानीपत में आप देखोगे ना तो हर बार हमने नहीं चूज़ किया कि पानीपत में रोकेंगे दुश्मन को यहाँ के स्थानिक राजाओं ने कभी कभी आपको पता चलेगा कि बाबर खुद बोलता है बाबर जा रहा है ओए रुकिए बोले क्या हुआ हुजूर बोले इधर पापा विल फाइट ओवर हियर सर एंड देन यू विल फाइंड कि बाबर ने पूरी स्ट्रेटजी क्रिएट की और इब्राहिम लोधी को बुलाया गया और फिर वो है ना सर्जिकल स्ट्राइक किया और फिर उसको प्रोवोक करवाया गया एंड फिर एन सर्कलिंग करके वह ढेर कर दिया है ना वी हैव स्टडीड ना पिछले दो क्लासेज में सर तो कहने का मतलब मेरा यह है कि आप इतिहास को एक सीक्वेंस के रूप में देखिए थीम के रूप में देखिए बैटल ऑफ पानीपत हैज़ बीन अ थीम और यह थीम का परिणाम यह हुआ है कि पहली थीम के आउटकम के रूप में अफगान एम्पायर का डिक्लाइन हुआ दूसरी थीम के आउटकम के रूप में मुगल एम्पायर की शुरुआत हुई और तीसरी थीम के आउटकम के रूप में मराठास का डिक्लाइन हुआ सर के अगर पानीपत की मुझे थीम बोलोगे अगर मुझे कोई पूछेगा कि मास्टर हाउ डू यू सी बैटल ऑफ पानीपथ थ्री बैटल ऑफ पानीपत इन सिंगल सेंस तो मैं ये कहूंगा कि एक दो लड़ाइयों ने एम्पायर को तोड़ा है और एक लड़ाई ने एम्पायर को बनाया है पहली पानीपत में बाबर भले जीत गया पर उसे मुगलों का साम्राज्य नहीं बना था इन द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत बाबर नो डाउट वॉन मान लेते हैं कि बाबर वॉन सर है ना वी एक्सेप्ट दैट बाबर हैड वॉन

तीसरी पानीपत का आउटकम यही था कि मराठास वांटेड टू मेक अ बिग एम्पायर केम टू अ कंक्लूजन और इवेंचुअली आप देखोगे वो ख़त्म हो जाता है सर समझे आप लोग ठीक है तो आपको ये कहानी समझ में आई यू गॉट दिस स्टोरी आपको पिक्चर समझ में आया कि क्या क्या कहानी रहती है पानीपत के अंदर से किन किन प्रकार की घटनाएँ चलती है और आखिर में किस तरह से पानीपत जो है वो पानीपत पानी पानी हो जाता है और हालात बदल गए जज्बात बदल गए कहानी यहाँ पे ख़त्म होती है सर ठीक है ना तो आज इतना रखते हैं लेटस कंक्लूड ये क्वेश्चन के लिए एक आध बार अलग से पंद्रह बीस मिनट का एक आध हम लोग है ना सेशन ले लेंगे आधे घंटे का कि वाई सो मैनी बैटल्स वर फॉट एट द बैटल ऑफ पानीपत एंड वाई नॉट सम अदर प्लेस की वो पानीपत में ही ये सब चीज़ें हुई सर ठीक है तो आप इतिहास को थोड़ा देखिए सर है ना इतिहास को तराशने की कोशिश करिए डोंट ट्राई टू मग अप द फैक्ट्स इन हिस्ट्री आप कभी भी ये फैक्ट्स को याद रट्टा मत मारिएगा कि पहली पानीपत में बाबर और इब्राहिम लोदी और फिर है ना वो ही अब रट्टा मारते हो सर दूसरे में अकबर हेमू हेमू तो बेसिकली हेमचंद्र विक्रमादित्य नाम था इनका सर ये तो बनिया थे सर ये तो अफगानों की तरफ से फाइट कर रहे थे ये अफगान सेनापति थे सर है ना गड़ी मपण तो से उस टाइम पर इंसाइडर बन गए थे मुगल्स आउटसाइडर थे यहाँ देखोगे तो अहमद शाह अब्दली आउटसाइडर बन गया है क्योंकि तब तक अफगान्स को भारत से खदेड़ दिया गया है मुगल्स यहाँ पे बैठ गए हैं सर ठीक है और मराठास जो थे ये इंसाइडर थे और दे वर ट्राइंग टू क्रिएट एन एम्पायर बट उनका एम्पायर का जो सपना था वो टूट गया सर वो तो टूटा है इसका एक आउटकम ये रहा कि सत्रह के बाद ईस्ट इंडिया कंपनी को बहुत फ़ायदा मिला क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी को भारत में कोई एक ताकत रोक सकती थी वो तो थे मराठास कंपनी ने आप इसके पीरियड में देखिए जब पानीपत की लड़ाई उसके पहले प्लासी कर दिया है बंगाल के अंदर कंपनी ने 1759 के अंदर आप देखोगे तो बेदारा की लड़ाई की है बेदारा में डच को हराया था बंगाल के अंदर ही 1760 में वन वॉच किया था वन वॉच अगर आपको पता होगा तो फ्रेंच शासकों को हराया जाता है एंड आखिर के अंदर अगर आप समझने की कोशिश करिए कि जब पानीपत की लड़ाई ख़त्म हुई उसके बाद सेवनटीन में ईस्ट इंडिया कंपनी बक्सर करके बंगाल को जीत लेती है और मुग़ल बादशाह शाह आलम टू जो उस टाइम पर दिल्ली में भी नहीं रहते थे उनको कोरा भेज दिया गया बोले जाके साइन करो है ना रॉबर्ट क्लाइव जाता है बोले इधर आओ रॉबर्ट क्लाइव बोलता है जियो जोर बोले हम ईस्ट इंडिया कंपनी वाले लोग हैं आपको कोई बचाने वाला है नहीं आप जिनके दम के ऊपर कूद रहे थे मराठा वो तो हार गए हैं पानीपत में आप दिल्ली में रह नहीं पा रहे हो क्योंकि अफ़गानों ने त्रास करके रखा है अब दूसरी बार आप यहाँ ज़्यादा चर्बी की है तो हम आपको पिटाई कर देंगे सर शाल हम तो उसको तीन स्टेट्स दे दिए लिखे बिहार बंगाल एंड उड़ीसा कभी उठाइएगा किताब आपको मिलेगा इसमें कहानियाँ तो मोटे मोटे तौर के ऊपर आपको कहानी समझ में आ गई ना क्या हुआ पानीपत के अंदर और इस तरह से तीन पानीपत का जो परिणाम था वो भारत के लिए बहुत दुखद रहा मराठास का साम्राज्य टूटा हिंदू विश्वराज का आइडिया टूटा ईस्ट इंडिया कंपनी को फायदा मिला और आखिर के अंदर आप देखिए तो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया की शुरुआत हुई थर्ड बैटल ऑफ पानीपत एक्चुअली गेव अ ग्रीन सिग्नल फॉर द ब्रिटिश टू कॉन्कर इंडिया समझ में आ रहा है थर्ड बैटल ऑफ पानीपत गेव द आइडिया दैट इज समथिंग ऑल्ड इज द ब्रिटिश कन्क्वेस्ट गेटिंग अ पॉइंट तो ये जो ब्रिटिश कन्क्वेस्ट ऑफ इंडिया है इसकी शुरुआत कब कैसे कहाँ पर होती है उसको अब आगे क्लासेस के अंदर कंटिन्यू करेंगे सर आपको ये सेशन्स अच्छे लगे तो ज़रूर से हमको बताइएगा कि यू आर एन्जॉइंग दिस कोर्स है ना समझे और डिटेल में अगर आपको पढ़ना है तो आप हमारे साथ जुड़ सकते हो कॉम्प्रिहेंसिव कोर्स ऑन एंशेंट एंड मिडीवर इंडियन हिस्ट्री जो मैं अभी अन के ऊपर करवा रहा हूँ लाइव कोर्स है इट्स अ लाइव कोर्स डेली दो घंटे होते हैं सर एंड आप मेरे साथ इंटरेक्ट कर सकते हो डाउट्स पूछ सकते हो एवरी सब्सक्रिप्शन नहीं लिया है तो आप यू कैन यूज़ दिस कोड पी एन लाइव बाकी हमारी एवरी ट्यूसडे को एक स्पेशल क्लास होती है दस बजे जिसे अभियान की टेस्ट सीरीज़ के रूप में हम लोग कंडक्ट करते हैं एंड अंदर दिस अभियान टेस्ट सीरीज वी कंडक्ट लाइव क्लासेस एंड टेस्ट जहाँ पे अगर आप अच्छा रैंक लेके आते हो तो आपको अनकेडमी की तरफ से बाउचर भी मिलता है सर ठीक है यू कैन ज्वाइन द टेस्ट सीरीज ये अभियान है जहाँ पे मैं एवरी ट्यूज़डे को क्लास लेता हूँ सुबह दस से साढ़े दस से ग्यारह और साढ़े दस से साढ़े ग्यारह और ये लाइव टेस्ट रहता है इसमें रैंकिंग अच्छी आएगी तो आपको काफ़ी फ़ायदा मिलेगा सर ठीक है हमारी नई नई बैचज शुरू हो रही है ट्वेंटी नाइन दिसंबर से तो ऑलरेडी हो चुकी है मतलब एंड देन यू कैन जॉइन दिस बैच इज़ एज़ वेल वन ईयर टू ईर इसमें आपको बहुत फ़ायदा मिलता है आपको बुक्स मिलती है क्यूरेटेड बाय टॉप एजुकेटर्स सर है ना एंड इसके अलावा मैंने आपको बताया कि एक दो और तीन जनवरी ट्वेंटी टू परसेंट ऑफ है सर ना है ना तो इट्स अ वेरी ग्रेट अपॉर्चुनिटी एंड यू मेक अ रेजोल्यूशन इन ट्वेंटी ट्वेंटी टू वी आर स्टैंडिंग नेक्स्ट टू यू सर है ना तो हम आपके साथ खड़े हैं मैं आपको मिलूँगा अगले साल यानी कि दो हज़ार बाईस में तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा प्लीज टेक केयर स्टे हेल्दी स्टे सेफ कीप रीडिंग गॉड ब्लेस यू जय हिंद थैंक यू वेरी मच